हाँ जी दोस्तों, अब आ जाइए हमारे पास में नेक्स्ट लेक्चर पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था, और इसके बाद डायरेक्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया था बेसिकली आपके पास में। ठीक है, बीच में जो दो क्वेश्चन रह गए अब उसको डिस्कस कर लेते, ताकि एक पेयर के हिसाब से आपके पास में, एक सीरीज़ के हिसाब से, सिक्वेंस के हिसाब से आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो 1 to 6 क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले देखते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। कहता है कि सर कोई कुकर कंपनी है यहाँ पे, और इनके पास 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन है। अब ये क्या कहते हैं, 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन है। अब इन्वेस्टमेंट नंबर 1, 2 और 3, ये नाम कुछ भी देते रहते हैं, तो नाम पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, ये कोई स्किलेटर आपके पास में है, कुकर है, ठीक है, हाई क्वालिटी कुकर है, ये नाम बदलते रहेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो सेम इस तरीके का ही आता है, बस सिचुएशन थोड़ी सी एक आध बढ़ा देंगे या फिर एक आध कम कर देंगे, लेकिन नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो नाम पे फोकस करना ही नहीं, ये तो सिंपली थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा लगे इसलिए ऐसा देता रहता है। ठीक है, ताकि आपके पास में जब भी स्टूडेंट क्वेश्चन को देखे तो उनको क्वेश्चन बढ़ा दिखाई दे, और क्वेश्चन बड़ा दिखाई देने से होता क्या है, बेसिकली स्टूडेंट उसे इग्नोर कर देता है कि ये क्वेश्चन अपने को नहीं आता। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें आप देखें तो इररिलेवेंट चीज़ें ये लोग ज़्यादा लिखते रहते हैं। ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीपी में आया है, या फिर पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, ये 4th नंबर का जहाँ तक मुझे याद है, ये आरटीपी का क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा एक बार के लिए, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैं कह दूँ कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर के अंदर आईसीए मॉड्यूल में जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं ना, प्रैक्टिकल ये 1, 2 आपके पास में जितने भी है, 11, 12, 14, तो उतने तक के सारे ऑलमोस्ट आपके पास में आरटीपी एमटीपी के ही क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, ऊपर का भी आपने आईआरआर क्वेश्चन देखा तो आईआरआर भी बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाता है। कहता है 2 रेट से कैलकुलेशन वो खुद ही करवा देता है, या फिर 4-5 रेट देता है उसमें से 2 से खुद निकाल के कैलकुलेशन करिए, उस तरीके से देता है। तो बिल्कुल एग्जाम में इसी तरीके से आता है, अपने को रेट एज्यूम नहीं करना होता, क्वेश्चन ही बता देता है बेसिकली। तो बिल्कुल एग्जाम में इस तरीके से ही क्वेश्चन आते, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। और नाम में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिचुएशन 1, 2 और 3 है। क्या कहता है, कहता है सिचुएशन का है या फिर प्रोजेक्ट का है, इन लोगों ने प्रोजेक्ट नाम दिया है इन लोगों को। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 1, ये प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3, 3 प्रोजेक्ट है ये कुकर कंपनी, इन 3 में से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। कहता है कि इफ ओनली द प्रोजेक्ट इन द क्वेश्चन, कहता है इज अंडरटेकन, कहता है द एक्सपेक्ट आपके पास में जो प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू एंड इट्स अमाउंट आपके पास में ये जो रिक्वायर्ड है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। कहता है इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए और उसके आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, वो खुद निकाल के दे रहे हैं। अगर नहीं देते तो हमें क्या करना पड़ता सर, ये वैल्यू जो गिवन है उसे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके प्रेजेंट वैल्यू मिलता। लेकिन कहता है कि पीवी फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट हम कैलकुलेट करके आपको दे देते हैं, तो ये अपना काम आसान कर रहे हैं बेसिकली, तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं करते तो हम पीवी फैक्टर से कैलकुलेशन कर लेता है, बस इन लोगों को क्या देना पड़ता सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ता, कोई रेट देना पड़ता, उससे पीवी फैक्टर निकालते और मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं आंसर। लेकिन वो खुद दे रहे तो फिर हमें क्या दिक्कत हो सकती है, तो फिर हमें नहीं चाहिए कोई भी। ठीक है, डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो क्या ही दिक्कत है, कैलकुलेशन पूछोगे वो कैलकुलेशन बता देंगे। कहते हैं प्रोजेक्ट 1, अगर प्रोजेक्ट 1 का नाम जो है वो न्यू आपके पास में ये एल्यूमिनियम वगैरह जो भी नाम है उसकी बात कर रहा है, कहते हैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 2 लाख रुपये चाहिए आपके पास में। बहुत बढ़िया, 2 लाख रुपये आपके पास में यहाँ पे चाहिए, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। कहता है कि 2 लाख रुपये आपके पास में चाहिए और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो आपको गिवन है, 2 लब्बे आपके पास में मिल जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो मतलब कि आपके पास में इनकम जो होगी फ्यूचर में, हमने एग्जांपल देखा ना कितने सारे क्वेश्चन करे, कहता है कि आज इतना इन्वेस्ट करो फिर फ्यूचर में इतना 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 देंगे। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ यहाँ पर बात कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो कहता है फ्यूचर में जो इतना 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 मिलेगा वो हम देखते थे। ठीक है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 40,000 ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में हम कन्वर्ट करते थे, आपको याद हो तो पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे और फिर एनपीवी निकालते थे। कहते हैं कि सर जो इनफ्लो है उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके दे रहे हैं आपके पास में।
ठीक है, तो ऑलरेडी वो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, तो क्या मैं इनफ्लो डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, मतलब एनपीवी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, डायरेक्ट आप में एनपीवी निकाल सकते हैं 90,000। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? अरे याद है कि नहीं दोस्तों, याद है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन हम देखते थे, कहता है कि आज 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करो, ठीक है, हम माइनस में लिखते थे क्योंकि आउटफ्लो था ईयर ज़ीरो पे, आज फिर कहता है कि फ्यूचर में आपको 2 साल आपके पास में मान लेते हैं, या फिर 2 साल में आपको इनकम होने वाली है, फॉर एग्जांपल 1,00,000 1,00,000, या फिर आप चेंज कर लेते 1,00,000 और 1,20,000, तो ऐसा करते थे कि नहीं? उसके बाद एनपीवी निकालने के लिए क्या कहते थे? कहते हैं इससे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, और ईयर ज़ीरो पे ऑलवेज 1 होता है, तो कहता है कि ईयर ज़ीरो पे तो जो खर्चा होता है वो तो ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू पे ही होता है, मतलब कि आउटफ्लो ऑलवेज आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू पे ही है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो ऑलरेडी है आपके पास में 2,00,000। कहता है बस इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे और फिर डिफरेंस निकाल लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा सर? एनपीवी मिल जाएगा, ठीक है। तो इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके वो दे रहे हैं आपके पास में, ठीक है, इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके वो खुद ही दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड क्या लिखा है आपके पास में, वर्ड लिखते हैं आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू, खुद ही प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, तो मतलब कि आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये अमाउंट दे रहे वो, तो क्या करना है? बस इन्हीं का ही डिफरेंस निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। क्या बात समझे? सिंपल सी बात करी गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात यहाँ पे आपके पास में हो रही है, क्लियर आपके पास में? चलिए, तो डायरेक्ट आप एनपीवी निकाल सकते हैं अगर आपको एनपीवी चाहिए तो। मैं यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी तो भी ठीक है, ठीक है, अपने को कहाँ इतना टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी कर लेंगे। कहता है कि यहाँ पे एनपीवी कितना आएगा सर? 90,000, इनफ्लो 2,90,000 हो रहा है, आउटफ्लो 2,00,000 है, तो 90,000 का फ़ायदा है, तो कहता है 90,000 प्लस में दिखेगा। इसके बाद कहता है कि सर 1,15,000 आपके पास में खर्चा होगा, ये प्रोजेक्ट 2 की बात कर रहा है, प्रोजेक्ट 2 में क्या है वो अपना एग्जिस्टिंग कुकर वगैरह कुछ नाम था, तो कहता है इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 1,15,000 देना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, 1,15,000 देना पड़ेगा। कहता है कि फ्यूचर आपको इनकम 185 होगी, तो डिफरेंस कितना हो गया, एनपीवी कितना आया? कहता है इसमें भी फ़ायदा ही हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है? कहता है 70,000 का, बहुत बढ़िया, इसमें 70,000 का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। फिर नेक्स्ट देखते, कहता है 2,70,000 प्रोजेक्ट 3 की बात करें तो उसमें 2,70,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कितना मिलेगा? कहता है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके बोले तो 4,00,000 रुपये आपको मिलेगा, मतलब कि 270 दिया, 4,00,000 मिलेगा, तो कितना डिफरेंस हुआ? 4,00,000 माइनस 2,70,000, कहता है 1,30,000 मिलेगा, तो प्रोजेक्ट नंबर 3 बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा एनपीवी वही दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हैं क्या गिवन है। कहता है प्रोजेक्ट 1 एंड 2 अगर जॉइंटली ले लेते हो आप, ठीक है, प्रोजेक्ट 1 एंड 2 अगर आप यहाँ पे जॉइंटली ले लेते हो तो कहता है कि देयर इज़ नो इकोनॉमीज, इकोनॉमीज का मतलब होता है डिस्काउंट। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर के अंदर यहाँ पे वर्ड ये यूज़ होता है, तो इसका मतलब होता है सर जी डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट आपके पास में, कि वहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कई बार आप देखते हैं ना कि बुक्स वगैरह परचेज करने जाते हैं, या फिर कोई दूसरी कपड़े वगैरह परचेज करने जाते हैं, या फिर आप कोर्स भी परचेज करते हैं, ठीक है, कोर्स आपके पास में ये CA इंटर का सब्जेक्ट वाइज परचेज करते हैं, पूरे आप इंटर का परचेज करते हैं, तो आपको पता होगा कि कहते हैं कि सर अगर सिंगल सिंगल कोर्स परचेज करोगे तो कहता है कि पर सब्जेक्ट 9,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट एक साथ परचेस करते हो तो वैसे कितना होता है सर? 9,000 × 3, मतलब कि आपके पास में कितना होता है? 27,000, ठीक है, पर सब्जेक्ट आपके पास में, फॉर एग्जांपल 9,000 पर सब्जेक्ट आपके पास में क्या है सर? प्राइस है। ऐसे तीन सब्जेक्ट रहते हैं आपके पास में एक ग्रुप के अंदर, ठीक है, तीन सब्जेक्ट रहते हैं, तो टोटल प्राइस कितना बनता है अगर तीन सब्जेक्ट लेना है? तो कहता है 27,000, लेकिन ऑफ़र देते हैं ना यहाँ पे आपके पास में, आपने देखा ही होगा, आपको पता ही है ऑफ़र मिलता है, कहता है कि तीनों साथ में लेंगे तो फॉर एग्जांपल 27 का 25 में पड़ जाएगा, तो ये क्या दिया सर? डिस्काउंट दिया। क्यों दिया? क्योंकि साथ में परचेस किया, अगर सिंगल सिंगल होता तो 9,000 लेते थे वो, तीनों एक साथ परचेस करेंगे तो 25,000 मिलेंगे, स्कीम है बेसिकली,
तो तीनों आप परचेस करिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसे ही यहाँ पे इकोनॉमीज क्या आ गया है, ठीक है। तो कहते हैं कि वन एंड टू साथ में परचेस करोगे तो फ़ायदा नहीं है, जितना अभी प्राइस है उतना ही रहेगा, मतलब कि वन एंड टू 2 लाख रुपीज़ और 1,15,000 पूरा पे करना पड़ेगा। लगता है इसमें कोई डिस्काउंट देना नहीं चाहते वो लोग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं इसमें नो इकोनॉमीज, ठीक है आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आगे, कहता है द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर एंड प्रेजेंट वैल्यू विल सिंपली बी द सम ऑफ द पार्ट, ठीक है। इसका मतलब वही मैंने कहा ना कि ए और प्रोजेक्ट वन और टू साथ में परचेस करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोजेक्ट वन को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे और यहाँ पे 1,15,000 देना पड़ेगा, और सामने जितना भी बेनिफिट मिल रहा है उतना ही मिलेगा, 90,000 और 70,000, कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा है ही नहीं इसमें, कोई डिस्काउंट नहीं मिलना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कहता है प्रोजेक्ट वन एंड थ्री साथ में अगर परचेस करते हो तो, कहता है इकोनॉमीज आर पॉसिबल। अच्छा इसमें डिस्काउंट दे रहे, बढ़िया जी, इन दोनों में भरत मिलाप अच्छा होगा, वन एंड टू में नहीं है तो वो डिस्काउंट नहीं दे रहे, ठीक है। इन लोगों ने क्या कहा देख लेते एक बार के लिए। कहते हैं कि इसमें तो पॉसिबल है, कुछ डिस्काउंट देंगे। कहता है बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मशीन जो है वो दोनों प्रोसेस में, दोनों के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। अच्छा तो ये कॉमन मशीन है आपके पास में, इसलिए डिस्काउंट मिल रहा है। कहता है कि कॉमन मशीन है, प्रोजेक्ट वन में भी यूज़ होता है, थ्री में भी यूज़ होता है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा। बेसिकली आप देखिए फ़ायदा हो गया आपके पास में कि एक ही मशीन दोनों प्रोजेक्ट में चल रहा है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा, वही बच जाएगा। कहता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है रिक्वायर्ड फॉर दी प्रोजेक्ट वन एंड थ्रू आपके पास में थ्री, कहता है कि कंबाइंड 4,40,000 रहेगा। अच्छा मुझे एक बार बताना कि वन एंड थ्री का टोटल खर्चा होता कितना था। ये कह रहे 440 में दे दूंगा, तो वैसे वन एंड थ्री का बनता कितना है। कहता है 2 लाख और 2,70,000, जरा टोटल करना। कहता है 2 लाख प्लस 2,70,000, मतलब कि 4,70,000, ये कितने में दे रहे हैं, 4,40,000 डिस्काउंट दिया, मिला ना, कितना मिला, 4,40,000 माइनस किया तो 30,000। तो कहता है वन एंड थ्री साथ में अगर परचेज करोगे तो 30,000 का डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि सर नेक्स्ट आपके पास में प्रोजेक्ट टू एंड थ्री अगर साथ में परचेज किया तो, तो कहता है कि सर वहाँ पे भी इकोनॉमीज अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास में मार्केटिंग और प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट जो है आपके पास में वो सिमिलर है, ठीक है। तो ये कारण बताते रहते हैं ताकि क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो। वैसे हमारे लिए ये कारण ज़रूरी नहीं है कि किसकी वजह से यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, बेसिकली फ़ायदा हो रहा है बेसिकली, ठीक है। हमें तो ये देखना होता है फ़ायदा कितना हो रहा है बस। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि प्रोजेक्ट वन एंड थ्री में देखो तो 30,000 का फ़ायदा हो रहा है, बेसिकली 470 का पड़ता, लेकिन साथ में परचेस करोगे तो 440 में पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं कि आपके पास में एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फॉर दी आपके पास में प्रोजेक्ट टू एंड थ्री, कहता है 6,20,000 रहेगा। क्या कहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब कि इनकम की बात कर रहा है, अभी तक खर्चे की बात कर रहा था, ध्यान रखना। कहता है अभी तक तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, देखिए ज़रा एक बार के लिए, यहाँ पे आपने देखा सर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट टू एंड थ्री की बात करें तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो कहता है इनफ्लो की बात कर रहा है, इनफ्लो में कोई बढ़ोतरी वगैरह हो रहा होगा, 6,20,000 होगा। एक बार के लिए मुझे बताना प्रोजेक्ट टू और थ्री का टोटल इनफ्लो कितना आ रहा है। कहता है कि 6,20,000 हम देंगे, क्या कोई फ़ायदा हो रहा है, एक बार के लिए देख के बताना। कहता है प्रोजेक्ट नंबर टू एंड थ्री, ओके टू एंड थ्री कहाँ पे है, ये रहा टू एंड थ्री, उसका इनफ्लो का टोटल करना ज़रा, कोई फ़ायदा हो रहा है एक बार के लिए देख के बताना। तो कहता है कि 4 लाख प्लस 1,85,000 कितना हो रहा है, कहता है 5,85,000 हो रहा है ना। ये कहता है कि टू एंड थ्री साथ में परचेस करोगे तो हम इनफ्लो कितना देंगे, 6,20,000, फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो कहता है कि टू एंड थ्री साथ में परचेस कर लो, हम 6,20,000 देना स्टार्ट कर देंगे, तो ये तो बढ़िया है आपके पास में, बहुत बढ़िया आपके पास में। 6,20,000 का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास में, 35,000 का फ़ायदा हो जाएगा अगर दोनों लेंगे तो, बहुत बढ़िया। आगे क्या कहता है नेक्स्ट, कहते हैं कि चलो दो दो की बात तो हो गई आपके पास में, वन एंड टू की बात हो गई, वन एंड थ्री की बात हो गई, टू एंड थ्री की बात हो गई, दो दो के कॉम्बिनेशन की बात हो गई। आगे एक और ऑफर देता है, कहता है तीनों अगर प्रोजेक्ट ले लिए आर अंडरटेक साइमल्टेनियसली, कहता है इकोनॉमीज जो आपके नोटेड है वो स्टिल होल्ड आपके पास में रहेंगे, हावेवर 1,25,000 एक्सपेंशन आपके पास में ऑन द प्लांट विल बी नेसेसरी। कहता है तीनों प्रोजेक्ट अगर लोगे
तो जहाँ जहाँ फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ को कंसिडर करते हुए आपको करना है काम। ये मैं समझाऊंगा, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर तीनों प्रोजेक्ट साथ में लोगे ना तो एक थोड़ा सा छोटा सा खर्चा करना पड़ेगा एक्सपांसन के लिए, 1,25,000 रुपीज़ का। तो ये थोड़ी सी चीज़ जी है। कहता है कि सर कैलकुलेट करिए एनपीवी आपके पास में सारे प्रोजेक्ट के हिसाब से और बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, वो आपको बताना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है आपके पास में, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत लग ही नहीं रही। आ जाइए, क्वेश्चन बुक ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन समझाना थोड़ा सा है, इसलिए यहाँ पे टाइम लग सकता है आपके पास में। कहता है कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा है 4। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ख़त्म ही कर देते आज के लिए आपके पास में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में, बताइए। सबसे पहले एनपीवी सबके लिए निकालने के लिए कहा, एनपीवी बेसिकली कि 1, 2, 3 के हिसाब से तो एनपीवी ऑलरेडी निकाल दिया, वो तो कॉपी पेस्ट करना है। कहता है फिर जॉइंटली जब लेंगे तो उसका एनपीवी क्या रहेगा वो भी आपको बताना है। तो 1, 2, 3 के लिए तो सबसे पहले लिख दे, तो अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे करूँ मैं, ईयर वगैरह तो लिखने की ज़रूरत नहीं, ईयर तो तब लिखते हैं जब पी फैक्टर वगैरह लिखना होता है, तो पी फैक्टर की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं, वो खुद प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है। बहुत बढ़िया, तो कॉपी पेस्ट करना है, कैलकुलेटर का यूज़ करिए और आंसर निकालिए। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इससे बढ़िया बात, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है आपके पास में, ठीक है? इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है आपके पास में, नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। बताइए तो प्रेजेंटेशन कैसे करूँ, इसने जैसे दिया वैसे ही करता हूँ, 3 कॉलम बनाई वैसे ही कर देते। कहते प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आपके पास में। इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड आपके पास में, ठीक है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। और कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब कि इनफ्लो की बात कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ठीक है ये चीज़ हो जाती है, ये हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। कहता है प्रोजेक्ट नंबर 1 आपके पास में क्या कहता है सर, प्रोजेक्ट नंबर 1, 2 और 3 इंडिविजुअली तो ऑलरेडी एनपीवी निकाल चुके हैं, बस ये फॉर्मेलिटी है इसलिए कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। दोस्तों मार्क्स लेने हैं या फिर नहीं, 7 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन आता है आपके पास में, ठीक है? तो ये चीज़ हो जाती है। तो 2 लाख आपके पास में यहाँ पे रिक्वायर है खर्चा। इसके बाद आपके पास में नीचे 1,15,000 और ये इन रुपीज़ है, ध्यान रखिएगा सारी की सारी चीज़ें, एनपीवी भी इन रुपीज़ आएगा आपके पास में। यहाँ पे एक लाइन छोड़ देनी थी, 1,15,000, ठीक है। इसके बाद 2,70,000 यहाँ पे रिक्वायर्ड है। लो जी काम ही ख़त्म हो गया। कहता है बताइए इन्वेस्टमेंट आपके पास में इनफ्लो कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। कहता है 2,90,000, ये भी इन रुपीज़ है ध्यान रखना, ये भी आपके पास में इन रुपीज़ है। तो 2,90,000, इसके बाद 1,85,000 और कहता है कि 4 लाख आपके पास में, ठीक है जी। तो एक और कॉलम बनानी पड़ेगी एनपीवी की, हालांकि इसने पूछा इसलिए। तो क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करना देख रहे हो आप, कहता है कि 90% तो कॉपी पेस्ट करो, 10% अपने हिसाब से कैलकुलेटर से निकाल के दे दो, काम ख़त्म करो। एनपीवी आपके पास में और ये भी इन रुपीज़ होगा, ठीक है? ये बस इतना सा काम करना है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आपके पास में अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं हो सकता। पूरे नंबर कॉपी पेस्ट करने हैं, पूरे नंबर कॉपी पेस्ट के आपके पास में। बताइए एनपीवी कितना आएगा, एनपीवी तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो वही लिख देते हैं ना भाई, वापस से कैलकुलेशन क्यों करना, कर रखे। कहता है 90,000 प्लस में है, मतलब कि इनफ्लो है, मतलब कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है आपके पास में, कमा गए, ठीक है। इसके बाद 70,000, इसके बाद 1,30,000। अगर तीन प्रोजेक्ट में से सिलेक्ट करना होता तो कौन सा सिलेक्ट करते, प्रोजेक्ट नंबर 3। लेकिन कहता है इतने में काम ख़त्म नहीं होता,
कहता है दो दो प्रोजेक्ट भी अगर सिलेक्ट करोगे, तीन तीन करोगे तो कुछ डिस्काउंट देंगे। तो कहता है इसमें भी फ़ायदा हो सकता है, एक बार के लिए वही कंसिडर करके देखते हैं। कहता है कि एक बार के लिए आप यहाँ पे आ जाइए प्रोजेक्ट नंबर 1 और 2 पे। तो कहता है 1 और 2, प्रोजेक्ट नंबर 1 और 2। कहता है इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि जितना खर्चा लगना है उतना वो लेंगे, 2 लाख और 1,15,000। कितना होता है 2 लाख प्लस 1,15,000, मतलब कि जितना खर्चा होना है पूरा ही ले लेंगे वो, एक रुपये का डिस्काउंट नहीं देंगे वो, और ना ही इनफ्लो ज़्यादा देंगे, वही देंगे जितना इनफ्लो बन रहा है आपके पास में, 2,90,000 1,85,000, 2,90,000 प्लस 1,85,000 4,75,000 4,75,000, और इनफ्लो आपके पास में वही बनेगा जो इन दोनों का टोटल बनता था, एक रुपये ज़्यादा नहीं देंगे या फिर एक रुपये डिस्काउंट नहीं देंगे, ठीक है। कुछ वो देना ही नहीं चाहते आपके पास में, जितना पड़ेगा उतना ही पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल एप्पल के फ़ोन की तरह कोई डिस्काउंट ही नहीं देंगे आपके पास में। परचेज़ करना है तो करो, क्योंकि हमारे पास में प्रीमियम कस्टमर है, इन लोगों के पास कस्टमर होंगे इसलिए वो डिस्काउंट नहीं दे रहे आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे इनको, फिर कभी मिलेंगे इन लोग, ठीक है, तो मिलेंगे तो हम देख लेंगे इन लोगों को अच्छे से। अभी फ़िलहाल के लिए तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि सर 1 और 3 अगर आप ले लेते हैं तो क्या होगा, प्रोजेक्ट 1 और 3 ये दो प्रोजेक्ट अगर लेते हैं तो। कहता है इकोनॉमिक्स जो है पॉसिबल है, किस में? कहता है इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे, ठीक है सर, मतलब कि इन्वेस्टमेंट मतलब कि खर्चे में थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे कि कम खर्चा करना पड़ेगा। कहता है 4,40,000, ठीक है 4,40,000। बेसिकली अगर आप चेक करेंगे तो फ़ायदा हो रहा है, क्यों? क्योंकि 1 और 3 का टोटल लगाइए 2 लाख प्लस 3 का कितना था 2,70,000, तो टोटल 470 का पड़ता, लेकिन इसने डिस्काउंट दिया, बहुत बढ़िया। कहता है इनफ्लो में कोई फ़ायदा है? नहीं बोला है, मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कि इनफ्लो तो उतना ही मिलेगा 1 और 3 का, 2,90,000 4 लाख कितना हो रहा है 2,90,000 प्लस 4 लाख, मतलब कि इतने से खर्चे में इनफ्लो पूरा देगा, मतलब कि खर्चे में थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, इनफ्लो तो जितना मिलना है वो तो पूरे का पूरा मिलेगा। तो मुझे बताइए सर कितना एनपीवी आ गया? तो कहता है 4,40,000 माइनस किया तो आपके पास में पॉजिटिव आंसर आ रहा है 2,50,000 सर जी, बहुत बढ़िया सर, 2 लाख आपके पास में 50,000, बहुत बढ़िया, एकदम जकास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है 1 और 3 का काम तो हो गया, अब 2 और 3 साथ में ले लीजिए तो भी थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे, ठीक है जी। तो कहता है 2 और 3 को साथ में ले लेते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, तो 2 और 3 को अगर लेंगे तो कहता है कि इनफ्लो में कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, सॉरी इनफ्लो में डिस्काउंट देंगे, आउटफ्लो में कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, मतलब कि इन्वेस्टमेंट में कोई डिस्काउंट नहीं, जितने का पड़ रहा है उतना ही पड़ेगा। 2 और 3 का टोटल लगाइए 1,15,000 प्लस आपके पास में 2,70,000, तो कितना आ रहा है 3,85,000 पे पूरा करेंगे, ठीक है, इनकी अलग ही स्कीम चलती है। कहते हैं कि पे पूरा कर दीजिए, इनफ्लो में जो आपको फ़ायदा होगा उसमें थोड़ा सा बढ़ा देंगे फ़ायदा, कितना होगा? कहता है 6,20,000 दे देंगे आपको, चलो ठीक है, चलो आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, 6,20,000 ले लेना। वैसे कितना होता है वो भी चेक कर लेते एक बार के लिए। कहता है 2 और 3 का इनफ्लो का टोटल लगाइए 1,85,000 और 4 लाख, 4 लाख प्लस 1,85,000, तो वैसे मिलता 5,85,000, लेकिन ये कितना दे रहा है 6,20,000, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, चलो इतना ले जाओ। तो कितना एनपीवी होता है? कहता है 6,20,000 माइनस आपके पास में 3,85,000, तो एनपीवी आपके पास में 2,35,000, बहुत बढ़िया, फ़ायदा तो ज़बरदस्त हुआ है। लेकिन अभी भी फ़ायदे में तो हमारे पास में ये ही चल रहा है, ये 1 और 3 का देखिए, इसका एनपीवी सबसे ज़्यादा है 2,50,000, अभी भी वही फ़ायदे में चल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है चलो जी 2 लाख आपके पास में 2 और 3 का काम ख़त्म हो गया। कहते हैं 3 प्रोजेक्ट अगर ले लोगे साथ में, तीनों, ठीक है, तीनों मतलब कि 1, 2 और 3, तो कहता है जो भी आपके पास में इकोनॉमीज में फ़ायदा हुआ है वो तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है, साथ में थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा वो ध्यान रखिएगा, मतलब कि इकोनॉमीज में फ़ायदा कहाँ कहाँ मिला है देखिए मुझे ज़रा एक बार के लिए बताइए। कहते हैं अगर मैं हाईलाइट करके बताऊँ आपके पास में तो इकोनॉमीज में फ़ायदा कहाँ मिला है। कहता है सर जी सिंगल में तो कोई इकोनॉमी का फ़ायदा नहीं है, 1 और 2 परचेस किया लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं था, 1 और 3 परचेस किया उसमें इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा मिला था, 4,40,000 में मिलेगा, वैसे 470 का था हमने चेक किया आपके पास में,
तो यहाँ पे एक फ़ायदा हुआ है, और 2 और 3 साथ में परचेस किया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में नहीं यहाँ पे फ़ायदा हुआ, 6,20,000 में मिल गया। तो कहता है तीनों प्रोजेक्ट अगर एक साथ लोगे ना तो ये फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है, मतलब कि तीनों आपके पास में मिलना ही मिलना है, मतलब कि 1 और 3 साथ में ही 4,40,000 में मिल जाएगा, और 2 अलग से परचेस कर लेना। 2 कितने का है? 1,15,000। तो कहते हैं कि सर यहाँ पे जो फ़ायदा मिल रहा था वो तो यहाँ पे तीनों में लेंगे ही लेंगे, 1 और 3 एक साथ परचेस कर लेंगे आप 4,40,000 में, ठीक है, और 2 जो है वो अलग से परचेस कर लेना। 2 कितने का है? कहता है पर्टिकुलर आपके पास में 1,15,000 का, ठीक है 1,15,000। ये बात समझ में आ रही है? जो फ़ायदा मिला था वो तो यहाँ पे लेना ही लेना है, क्वेश्चन ने खुद कहा है इसलिए आपके पास में, ठीक है, तो वो तो आपके पास में मिलना ही मिलना है। कहता है कि एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, कहता है अगर तीनों प्रोजेक्ट साथ में लोगे ना तो 1,25 का थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी कुछ यहाँ पे परचेस करना है, एक्सटेंशन वगैरह करना है, इसलिए 1,25,000 का और खर्चा होगा, ठीक है। तो 1,25,000 का और खर्चा, खर्चा मतलब कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉलम में 1,25 और ऐड कर दो, मतलब कि 3 खर्चे टोटल होने वाले हैं। तीनों का टोटल एक बार के लिए बता दीजिए, तो तीनों का टोटल एक बार के लिए 4,40,000 प्लस 1,15,000 प्लस 1,25,000, तो ये आपके पास में आ जाता है 6,80,000 का खर्चा करवाएगा ये टोटल, ठीक है 6,80,000 का टोटल ये खर्चा करवाएगा। ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? इनफ्लो में भी बिल्कुल ऐसा ही है, इनफ्लो में आपको कोई इकोनॉमीज मिला था, आंसर इज 2 और 3 में, तो कहते हैं 2 और 3 का इनफ्लो आपको कंसिडर करना है साथ ही साथ। तो कहता है यहाँ पे आप 6,20,000 कंसिडर करेंगे 2 और 3 का, और कौन सा बच गया सर? 1, तो 1 का अलग से कंसिडर करेंगे, 1 में कितना था? 2,90,000, तो 2,90,000 यहाँ पे ऐड कर दो, 2,90,000 एक्स्ट्रा कोई इनकम होने वाली ऐसा कुछ बताया नहीं, एक्स्ट्रा सिर्फ खर्चा होने वाला था वो बताया, एक्स्ट्रा इनकम नहीं बताइए, मतलब कि बस इतना ही है जो भी है, बता दीजिए इसका इनफ्लो कितना है। तो कहता है 6,20,000 प्लस आपके पास में 2,90,000, तो 9,10,000 आपके पास, ठीक है। तो बता दीजिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 6,80,000 और 9,10,000, 2,30,000 आपके पास में, 2,30,000, ठीक है बस, तो काम ख़त्म हो गया आपके पास में। अब क्या करेंगे? सिंपल तरीके से आप यहाँ पे देख लेंगे कि किसका NPV ज़्यादा बेहतर है, उसने पूछा है, क्योंकि आपके पास में कौन सा बेनिफिशियल है, इसलिए आपके पास में यहाँ पे बता देंगे जिसका NPV सबसे ज़्यादा है वही बेनिफिशियल है, सीधी सी बात है। तो बता दीजिए किसका NPV ज़्यादा है, उसमें ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अगर 3 प्रोजेक्ट साथ में लेना बेनिफिशियल है तो 3 ले लेंगे, अगर 2-2 में कोई बेनिफिशियल है तो वो ले लेंगे। सबसे ज़्यादा NPV कहाँ पे दिख रहा है वो हमें देखना है बस। तो कहते हैं सबसे ज़्यादा, तो NPV की बात करें तो कहता है यहाँ पे 90,000, 70,000 सबसे ज़्यादा, 2,50,000 यही है सबसे ज़्यादा NPV, ठीक है। कौन सा है? कहता है 1 और 3, कहता है 1 और 3 ही लीजिए साथ में, फ़ायदा होगा इन्वेस्टमेंट में और इनफ्लो तो उतना ही मिलना है, और सबसे ज़्यादा ये वो नेट प्रेजेंट वैल्यू वही दे रहा है, ठीक है। दूसरे कहीं पे भी इतना ज़्यादा आपके पास में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि कहता है कि प्रोजेक्ट 1 और 3 जॉइंटली शेल बी कंसिडर, ठीक है। कहता है प्रोजेक्ट आपके पास में, प्रोजेक्ट 1 और 3 शेल बी कंसिडर जॉइंटली बिकॉज ऑफ हाइएस्ट NPV, बिकॉज ऑफ आपके पास में हाइएस्ट NPV, क्योंकि इसका हाइएस्ट NPV है इसलिए यह प्रोजेक्ट आपके पास में सिलेक्टेड रहेगा। हाइएस्ट आपके पास में NPV यहाँ पे लिख देते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। लो जी, तो हमने अपना डिसीजन भी इनको बता दिया कि इन सारे प्रोजेक्ट में 1 और 3 ही क्यों, तो कहते हैं कि हाइएस्ट NPV उन्हीं का है, ठीक है 2,50,000 आप देख सकते हैं क्लियरली, तो 2,50,000 हाइएस्ट NPV है इसलिए आपके पास में ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 2,50,000 को हाईलाइट भी कर देते, ये 2,50,000 हाइएस्ट है।
ठीक है, इसलिए 1 और 3 को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। लो जी, क्वेश्चन आपके पास में ख़त्म हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आता है तो पूरे नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपके पास में नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास में 4 हो गया कंप्लीट, 5th पे आ जाते हैं। सेलो लिमिटेड, ये भी आपके पास में पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, RTP MTP में या फिर पेपर का ही क्वेश्चन है। सेलो लिमिटेड करके आपके पास में कोई कंपनी है, कंसिडर करती है कि उनको न्यू मशीन परचेज करना है, बाई करना है न्यू मशीन, ठीक है। तो न्यू मशीन वो बाई करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कहता है कि जो इनकी यूज़फुल लाइफ, जो इकोनॉमिक लाइफ रहेगी वो 5 साल की होगी, ठीक है। तो ये जो मशीन परचेस करने जा रहे हैं उसकी लाइफ 5 साल की होगी, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, कहता है कि 125,000 में पड़ेगा, और उसकी स्क्रैप वैल्यू जिसे हम रेसिडेंशियल वैल्यू भी कहते हैं, कहता है रेसिडेंशियल वैल्यू आपके पास में 30,000 रहेगी, ठीक है। तो 5 साल की लाइफ है, 125,000 में पड़ेगा, 5 साल जैसे ही ख़त्म होंगे स्क्रैप वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 30,000। तो स्क्रैप वैल्यू को मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। FM समरी में नोट्स भी लिखवा दिए, पॉइंट भी लिखवा दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया। तो आपके पास में ये चीज़ क्लियर है कि स्क्रैप वैल्यू को हम एज अ इनफ्लो ही मानते हैं, और इनफ्लो में लास्ट ईयर पर आप ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा चुका हूँ। कहता है विथ 80% ऑफ द कॉस्ट बींग पेबल एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है सिर्फ और सिर्फ 80% आपको स्टार्टिंग में देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है 80% कॉस्ट का जो 80% पार्ट है वो स्टार्टिंग में देना है, प्रोजेक्ट जैसे ही शुरू होगा ईयर जीरो पे, स्टार्टिंग मतलब कि ईयर जीरो। तो कहता है कॉस्ट कितनी है, 1,25,000, उसका 80% करिए, 1,25,000 इंटू 80%। कहता है कि 1 लाख जो है वो स्टार्टिंग में दे दीजिए, वो हफ्ते से नहीं होता है। बेसिकली आपके पास में बड़ी कोई चीज़ परचेस करते हो, फ्रीज वगैरह, टीवी वगैरह, तो कहता है कि 1 लाख तो अभी दे दीजिए, उसके बाद बाकी का बाद में दे देना, तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे। कहता है कि स्टार्टिंग में 80% दे दीजिए, 1 लाख, और जो बाकी का 20% बचा वो कब देना है, तो कहता है कि 20% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब कि एक फर्स्ट ईयर के एंड में देना है, बहुत बढ़िया। तो एक ईयर जीरो पे देना है 80%, और बाकी का कब पेमेंट करना है, फर्स्ट ईयर में, एंड में, बेसिकली एंड में है तो बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ बिगनिंग में नहीं है, बिगनिंग में होता तो कन्वर्ट करना पड़ता एंड में, क्यों, क्योंकि पी फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करना है तो पी फैक्टर तो हमारे पास में क्या है, स्टार्टिंग है। मैंने स्पेसिफिकली 4-5 बार आपको पढ़ा है, तो अब वापस से नहीं पढ़ाऊंगा आपके पास में, ठीक है। 4-5 बार क्वेश्चन के थ्रू मैंने पढ़ा है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर है कि एंड की ही वैल्यू होनी चाहिए, बिगनिंग की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहता है मशीन वुड प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स पर एनम के हिसाब से। अच्छा, तो ये मशीन 50,000 यूनिट आपके पास में बना लेता है पूरे साल में। कहता है ऑफ न्यू प्रोडक्ट और एसेंशियल, जो आपके पास में एस्टिमेटेड आपके पास में जो सेल प्राइस रहती है एक यूनिट की, 3 रुपये होती है, ठीक है। तो 3 रुपये में एक यूनिट बिक जाता है, तो पूरे साल में आपके पास में सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, तो 50,000 पूरे साल में यूनिट बनाते, एक को 3 रुपये में बेच देते, तो पूरे साल का टोटल रेवेन्यू कितना हो जाता है, 1,50,000। लेकिन इसमें कुछ खर्चा भी होता होगा, तो कहता है कि डायरेक्ट कॉस्ट इसमें होती है कितनी, कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो कहता है डायरेक्ट कॉस्ट है इसमें 1.75 पर यूनिट के हिसाब से, तो रुपीज़ 1.75 पर यूनिट के हिसाब से खर्चा लगता है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इंक्लूडिंग कहता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस 40,000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से। इंक्लूडिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कहता है इंक्लूडिंग, सारा खर्चा इंक्लूडिंग कह रहा है, मतलब कि इसमें सब आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद कहता है इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आपके पास में, कहता है स्पेशल सेल प्रमोशन भी करना पड़ा, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो कहता है सेल प्रमोशन करना पड़ा, तो और खर्चा कर दिया, बढ़ गया खर्चा आपके पास में। तो पहले 2 साल ये ध्यान रखने वाली बात, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही खर्चा किया, उसके बाद तो अपना प्रोडक्ट बिकने लगा तो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। कहता है कि नॉट इंक्लूड अबो कॉस्ट, कौन सा खर्चा, प्रमोशन का खर्चा कितना है, कहता है 10,000 पहले साल में खर्चा किया, और सेकेंड ईयर में 15,000 का रिस्पेक्टिवली, मतलब कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट ईयर के लिए 10,000, सेकेंड ईयर के लिए 15,000 का खर्चा किया है, जो कि ऊपर के कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि 1.75 तो वो अलग से, यहाँ पे 10,000 और 15 तो एडिशनल खर्चा हुआ है आपके पास में। कहते हैं कि NPV आपके पास में निकाल लीजिए, और रेट भी आपको गिवन है 10% के हिसाब से, रेट तो ऑलवेज गिवन ही होता है, NPV निकालना है तो रेट तो पी फैक्टर के लिए ऑलवेज गिवन रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन में चेक कर लेना, पी फैक्टर तो नहीं गिवन है ना, सामने से नहीं गिवन है,
सामने से गिवन है तो कंपलसरी वही लेना पड़ेगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन में हुआ था। नहीं गिवन है तो पॉइंट के बाद फिर आप ले लीजिए तीन या फिर चार, कोई भी आपके पास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे क्वेश्चन में सॉल्व करने लायक नहीं, डायरेक्ट आपके पास में सॉल्यूशन में ही दिखा देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं आपके पास में जो मुझे यहाँ पर बतानी पड़े। एक बार के लिए सॉल्यूशन में आ जाइए। सिंपल सा पॉइंट आपके पास में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव आपके पास में, कहाँ है क्वेश्चन नंबर फाइव, ये रहा। ये ऊपर का क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया वो तो आपके पास में क्लियर ही है, वही चीज़ अमाउंट आ रहा है 90, 70, 130, 160, ये रहा 250, सबसे ज़्यादा एनपीवी देने वाला 1 और 3, ठीक है। इसलिए देखिए इन लोगों ने भी लिखा होगा कि 1 और 3 को ही कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका हाइएस्ट एनपीवी है, वही चीज़ लिखी है। तो ये तो हमने क्रॉस चेक करा नहीं, लेकिन भूल गए, लेकिन वही रहेगा, सीधी सी बात है, आराम आराम से कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो गलती तो थोड़ी ना होने वाली है हमारे से, ठीक है। तो वही आंसर आएगा, सीधी सी बात है, बस गलती वहाँ पे होती है जहाँ पे इन लोगों ने कुछ यहाँ पे अपने तरीके से एजम्पशन ले रखी होती है, तब आपके पास में डिफरेंस आता है, ठीक है। और तब हमें ये कहना पड़ता है कि फिर आई सी ए मॉड्यूल ने गलती भले ही करी है, लेकिन करना तो उसी तरीके से पड़ेगा जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये एक क्वेश्चन में हुआ था, ठीक है। बेसिकली वो चीज़ जहाँ पे आपके पास में 125 लिया था 130 की जगह, 130 की जगह आपके पास में 125 लिया था, वो चीज़ याद है आपके पास में, जब रिटेन अर्निंग के केस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ पे वो क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से गलती से सोल्व किया था, लेकिन मैंने कहा ना फिर अल्टरनेटिव तरीके से दोनों क्वेश्चन लिख के आना पड़ेगा सॉल्यूशन के हिसाब से, आई सी ए ने उसी तरीके से किया, इसलिए तो बेसिकली वैसा ही देखना पड़ता। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपके पास में, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास, बता दीजिए। सबसे पहले आपके पास में ईयर लिख देंगे, कितने साल है, 5 साल, तो टोटल आपके पास में 5 साल लिख देंगे, ईयर 0 to 5, ठीक है, सबसे पहले इतना लिख दिया। अब कहते हैं क्या करना होता है, सीधी सी बात है, नेट कैश फ्लो इनटू आपको क्या करना है, पीवी फैक्टर आपके पास में, तो काम ख़त्म, ठीक है। कैश फ्लो आपको लेना होता है और पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, आपके पास में एनपीवी आ जाएगा। तो कहते हैं आपके पास इसमें है ना इस तरीके से कैलकुलेशन किया है, चलिए छोड़िए मैं कैलकुलेशन करा ही देता हूँ, ठीक है, वरना इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपके पास में फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाइए, हेडिंग दे दीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके पास में, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फाइव पे अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फाइव लीजिए, क्या कहता है, कहता है कि सर 125,000 का मशीन परचेस किया, 125,000 का 5 साल की लाइफ है उसकी, 30,000 ईयर एंडेड पे मिल जाएगा आपके पास में, ईयर एंडेड मतलब कि 5th ईयर के एंड में, स्क्रैप वैल्यू है ना, स्क्रैप वैल्यू या लाइफ के ख़त्म होने पे मिलती, और मैंने कहा था कि इसे इनफ्लो में ही आप ऐड करेंगे आपके पास में बेसिकली, तो ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर हो जाती है। तो कहते हैं कि 125,000 ईयर ज़ीरो पे खर्चा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 80% ही ईयर ज़ीरो पे करना है, उसके बाद तो आपके पास में क्या कहता है सर, बाकी का 20% ईयर वन पे करना, बहुत बढ़िया। तो कहते हैं चलिए ईयर वाइज लिखते हैं, सबसे पहले ईयर आपके पास में ओके, आपके पास में 0, 1, 2, लीजिए 5 साल लाइफ, तो 5 साल जैसे ही ख़त्म, बात ख़त्म, क्लियर है। कहते हैं कैश फ्लो, कैश फ्लो आपके पास में, ठीक है सर, कैश फ्लो, कैश फ्लो लिख देंगे, उसके बाद पीवी फैक्टर की कॉलम मल्टीप्लाई पीवी फैक्टर से करना है ना, तभी तो एनपीवी निकलेगा, एनपीवी निकालना है आपके पास में, तो कहता है पीवी फैक्टर, दस परसेंट के हिसाब से क्वेश्चन ने खुद कहा है, और वैसे भी क्वेश्चन ही बताता है 10%, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे एनपीवी का कॉलम आपके पास में बन के निकल आएगा, काम ख़त्म,
सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी बातें, ठीक है, और तुरंत नंबर ले लेने हैं पूरे के पूरे और चीज़ें ख़त्म। ईयर का ये आपने कॉलम बना लिया, ये आपके पास में कैश फ्लो का कॉलम, ये पीवी फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे, कॉलम थोड़े से बड़े बन गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये एनपीवी का, चलो ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपके पास में चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और ये जो आंसर आएगा वो एनपीवी का आंसर आ जाएगा। लीजिए, काम ही ख़त्म हो गया, काम ही ख़त्म हो गया आपके पास में, ठीक है। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते थे, बताइए सर जी ईयर ज़ीरो पे कितना खर्चा है, 1,25,000। आंसर इज़ नो सर, स्कीम बना दी है इन लोगों ने, कहते हैं 1,25,000 का 80%, बहुत बढ़िया, कहते हैं 1,20,000 का, 25,000 का 80% आपके पास में, तो वर्किंग नोट में दिखा देते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी कॉलम बनी है, कैश फ्लो के लिए थोड़ी बड़ी कॉलम बनानी थी मुझे, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको ही थोड़ा यहाँ पे साइड में ले लेते हैं तो भी काम हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे काम हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। कहता है 1,25,000 का 80%, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 1,25,000 का 80% ही यहाँ पे होने वाला है, बाकी का 20% तो नेक्स्ट ईयर में। तो कहता है 1,25,000 इंटू 80%, तो ये 1,00,000 आपके पास में, ठीक है, और ये इन रुपीज़ है, ध्यान रखना। कहता है 1,00,000 तो है लेकिन माइनस खर्चा है, बेसिकली पे करना है, पैसा गया तो माइनस करना है। कहता है ईयर वन में भी आपके पास में खर्चा होने वाला है, बहुत बढ़िया, कितना? कहता है बाकी का 20% यहाँ पे करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। कहता है 1,25,000 और इसको भी माइनस में ही दिखा देना, ताकि एकदम से क्लियर रहे कि ये आपके पास में खर्चे का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, पूरा खर्चे का आपके पास में 20% यहाँ पे करना पड़ेगा, तो कितना होता है 25,000, तो ये खर्चा हो जाएगा, क्लियर है, ओके, बिल्कुल। कहते हैं कि इसके बाद क्या कहा, एनुअली आपके पास में इनकम शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए तो वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, कोई आपके पास में यहाँ पे वर्किंग नोट, ठीक है, बताइए वर्किंग नोट में। कहता है सेल वगैरह गिवन है सर जी, सेल वगैरह है तो कैश फ्लो निकालना पड़ेगा बेसिकली, इनकम कितनी हो रही, इनकम कैसे होगी, कैसे निकलेगी, सीधी सी बात है, सेल में से सारे खर्चे माइनस कर दीजिए, लास्ट में जो मिलेगा वो इनकम। जब इनकम आपके पास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर पढ़ाया, तो सबसे पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाया, ये वही तो स्टेटमेंट है कि सेल में से धीरे धीरे करके सारे खर्चे माइनस कर दीजिए, वेरिएबल फिक्स, इसने वेरिएबल फिक्स सारे खर्चे को एक ही पॉइंट में बता दिया कि 1.75 पर यूनिट, बस बात ख़त्म, तो क्या ही दिक्कत है। देखिए डायरेक्टली आपके पास में आंसर आ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत हो सकती है, आंसर इज़ नो। कहता है वर्किंग नोट नंबर वन आपके पास में, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर वन आपके पास में किसके लिए सर? कहता है कैलकुलेशन ऑफ इनफ्लो आपके पास में, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इनफ्लो आपके पास में, बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन ऑफ इनफ्लो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, सेल आपको गिवन है तो सेल में से माइनस करके निकालिए। कहता है सेल कितना है बताइए, कहता है सेल है ₹3 पर यूनिट, ओके, पर यूनिट, ओके। इसके बाद आगे बताइए, कहते हैं कि 3 पर यूनिट तो हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह आपको दे रखा है, कहता है 1.75, ठीक है, तो कहता है एक तरीके से मैं कॉस्ट ही कह दूँ कि टोटल आपके पास में जो भी खर्चा है वो इतना ही है, 1.75 पर यूनिट के हिसाब से, क्लियर है, और कोई खर्चा है? आंसर इज नो। कहता है डेप्रिसिएशन भी इसी में ही आ गया, 40,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है, वो भी इसी में आ गया, और फिक्स कॉस्ट हालांकि यूनिट वाइज नहीं होता, लेकिन कहता है कि इसी में ही आ गया, कैलकुलेट करके हमने बिल्कुल करके आपको दे दिया है, तो बिल्कुल सब कुछ इसमें ही आ गया, तो आप मान के चलिए,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद कह रहा है तो हमें क्या ही दिक्कत हो सकती है। बताइए कितना इनकम कमाए, कहता है 3 माइनस 1.75, तो कहता है 1.25, लेकिन ये पर यूनिट है। पूरा अमाउंट कहाँ है, कहता है कि वो 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 50,000 यूनिट है ना पूरे साल का, तो 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पर यूनिट है। कहता है मल्टीप्लाई 50,000 यूनिट, ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा, कितना आया, कहता है मल्टीप्लाई 50,000, तो कहता है 62,500 पर एनम, ठीक है, पर एनम, एक साल का है ना, पर एनम यूनिट, एक साल के पर एनम के हिसाब से तो पर एनम ही आंसर आएगा। कहता है पर एनम, लो जी काम ही ख़त्म हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या ये आंसर आपके पास में आया ये करेक्ट है, सोच के बताना, ज़रा सा सोच के बताना। जो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ सर, इनफ्लो। आउटफ्लो का तो मुझे पता है, आउटफ्लो तो मैंने वैसे भी लिख दिया आपके पास में, इनफ्लो निकालना है। क्या ये 62,500 आया वो आउटफ्लो, सॉरी इनफ्लो, क्या करेक्ट है मुझे सोच के बताना, ज़रा याद करना जो स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखवाया आपके पास में स्टेटमेंट, वो पढ़ के मुझे ज़रा बताना क्या ये सही है। सर जी आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा है उसके हिसाब से तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना चाहिए था, 40,000 जो इंक्लूडेड है डेप्रिसिएशन को 40,000 ऐड बैक करना चाहिए था ना, लेस हो गए, अब ऐड करेंगे, यहीं पे ही गलती होती है। ये जो क्वेश्चन है वो देने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि स्टूडेंट ने ऐसे ही बिल्कुल कैलकुलेशन किया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अभी तक जो हमने कैलकुलेशन किया उसी तरीके से स्टूडेंट कैलकुलेशन, ये बेसिकली आपके पास में आरटीपी एमटीपी में कहीं आया हुआ है, मैंने प्रीवियसली स्टूडेंट को ये खुद से करने के लिए कहा था तो खुद से करते हैं, तो बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करवाया क्वेश्चन में बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया और उसी तरीके से समझा, इसलिए मैंने एक बार के लिए उसी तरीके से करवाया। अब जिन स्टूडेंट ने मेरी ये गलती पकड़ ली वो स्टूडेंट मतलब कि हो गया आपका काम, आप पास है इस चैप्टर में, ठीक है, बाकी के चैप्टर को आपके ऊपर है, लेकिन इस चैप्टर के लिए आपके पास में कंसेप्ट क्लियरिटी बड़ी अच्छी है, बने रहिए, इसी तरीके से रिवीजन करिए। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे गलती नहीं पकड़ पाए उनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। कहता है इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज को। क्या है सर इस जिस तरीके से मैंने रीड अभी करवाया वो बिल्कुल मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली ये पॉइंट जहाँ पे ये आपके पास में ₹3, यहाँ से जैसे ही डायरेक्ट कॉस्ट पे आया मेरा, ठीक है, जब रीड करने को आया तब मुझे तुरंत याद आया कि एक काम करता हूँ कि उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं आपको गलती बता दूँ कि आपकी गलती क्या होती है, उसी तरीके से मैंने रीड किया जैसे स्टूडेंट ने गलती करी थी रीड करने में। अब मैं सही रीड करता हूँ, देखिएगा ये सबसे पहले तो अच्छे से देख लिया आपने, डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 1.75 पर यूनिट के हिसाब से एंड आपके पास में फिक्स कॉस्ट एन एनुअल फिक्स कॉस्ट, कहता है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस आपके पास में ₹40,000 पर एनम के हिसाब से। ये तरीका रहता है स्टूडेंट का जो कि नॉर्मली मैंने देखा है, जिन्होंने दूसरे तरीके से रीड किया वो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप सही हो सकते हैं, और अगर आप सही है तो फिर आप अच्छे से रिविजन करते रहिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप चल रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे। कहते हैं कि सर जी रीडिंग में थोड़ी सी मिस्टेक करते आप, क्या है सर, एक बार के लिए देखिएगा, ये सबसे पहले आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब देखिए वापस से एक बार, अब मेरा तरीका देखिएगा पढ़ने का, अब रीड करने का थोड़ा सा तरीका चेंज करते हैं। क्या है सर, पेन को थोड़ा सा डिफरेंट कलर येलो में रख देते हैं, चलिए अब थोड़ा तरीका समझिएगा। कहता है डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी ₹1.75 पर यूनिट, अभी मैं रीड कर रहा हूँ उस तरीके से देखिएगा, कहता है डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी ₹1.75 पर यूनिट के हिसाब से, क्लियर है। कहता है कि एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन आपके पास में स्ट्रेट लाइन बेसिस वो है 40,000 पर एनम के हिसाब से, ये सही तरीका है, क्लियर है, ये आपके पास में तरीका है बेसिकली। डिफरेंस ये ही है आपके पास में, स्टूडेंट नॉर्मली यहाँ पे गलती करते हैं। कहता है कि डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 1.75 है, लेकिन फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन जो है वो मिला के 40,000 है, बात समझ रहे हो, मिला के आपके पास में क्या है सर 40,000 बेसिकली। तो
यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट ये सोच लेते, जैसे कि मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि फिक्स कॉस्ट कभी भी यूनिट बेस नहीं होता, लेकिन मैंने अभी अभी जब ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले रीड करा तो मैंने वहाँ पे क्या कहा कि सर फिक्स कॉस्ट आपको यहाँ पे वैसे यूनिट बेस नहीं होता लेकिन इसमें इंक्लूडेड दिया है, वो स्टूडेंट सोच रहा था वही वर्ड मैंने रिपीट करा आपके पास में, ठीक है। स्टूडेंट उसी तरीके से सोचता है। देखिए नॉर्मली कभी भी ये सोचना मतलब कि आप ये समझ रहे कि क्वेश्चन वालों की गलती है, क्वेश्चन जिसने लिखा उनकी गलती है, ठीक है गलती हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आप यहाँ पे हमेशा गलत हो और क्वेश्चन सही हो ऑलवेज, ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में गलती हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन की गलती निकालने से पहले अपनी तरफ से पूरी तरीके से श्योरिटी ले लेना कि आप सही है, ठीक है। जनरली मैं ये क्वेश्चन जब भी स्टूडेंट को देता हूँ, इस बार मेरी से थोड़ी गलती हो गई, मैं लास्ट लेक्चर में ये होमवर्क में देना भूल गया कि मैं आपके पास में कहने वाला था कि ये घर से एक बार ट्राई करना फिर मैं कराऊंगा, ये रह गया। हर बार के लिए मैं यही देता हूँ आपके पास में होमवर्क में, जनरली जब लेक्चर लेता हूँ तो ये हर बार के लिए मेरे होमवर्क में ही रहता है। और हर बार के लिए नॉर्मली आप देखेंगे कि पूरे 100% में से 80% स्टूडेंट तो गलत करते ही आते और बिल्कुल इसी तरीके से रीडिंग करके आते और यही लॉजिक लगाते, कहता है कि फिक्स कॉस्ट तो वैसे आपके पास में क्या होता है सर, पर यूनिट होता नहीं है, पूरे हिसाब से होता है, तो कहता है इसमें मिला हुआ है। लेकिन सर एक वर्ड आप नहीं देख रहे यहाँ पे, क्वेश्चन की गलती आप निकाल रहे हैं लेकिन एक वर्ड नहीं देख रहे, कहता है एनुअल फिक्स कॉस्ट है। अब एनुअल वर्ड लिखा है और आप ऊपर से ये कह रहे हैं कि 1.75 पर यूनिट में इंक्लूडेड है, ऐसा कैसे हो सकता है? एनुअल का मतलब तो टोटल अमाउंट होगा, इतना समझिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए दोस्तों। कहते हैं कि सर डायरेक्ट कॉस्ट 1.75 पर यूनिट है, चलो ठीक है, आप ये कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट इसमें मिला हुआ, कुछ इस तरीके से रीड करते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 1.75 एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट आपके पास में इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ऑन आपके पास में 40,000 वो इसमें मिला हुआ है, आप ये कहते हैं। लेकिन फिक्स कॉस्ट चलो एक बार के लिए आप ये कहते हैं कि इसमें मिला हुआ है, इस तरीके से रीडिंग कर रहे हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि इसमें एनुअल वर्ड यूज़ करा है। एनुअल वर्ड का मतलब समझते हो कि पूरा अमाउंट दे रहे हो, ये क्या पूरा अमाउंट है? नहीं सर, ये तो पर यूनिट है। तो ये कैसे कह सकते हो कि फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन सब कुछ इसमें मिला हुआ है? नहीं सर, गलत है, बात मेरी समझे। तो कहता है ये सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब कि 50,000 इंटू 1.75 करोगे तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट मिलेगी, फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अलग से दे रहा है वो है 40,000 पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो क्या करना है सर? स्टूडेंट यहाँ पे जनरली मिस्टेक करते हैं, तो हमेशा मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मार्क करवाता हूँ इस लाइन को कि एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूर इसे रीड करिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पे हो जाएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी। तो कहते हैं कि सर जी ये जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे आपके पास में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे आपके पास में, तो मैंने जो ये करा ये कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट लिखा था, ये कौन सी है सर? डायरेक्ट कॉस्ट है, रेट में लिखूंगा डायरेक्ट कॉस्ट, ओनली एंड ओनली डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब कि सर सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस किया तो ये क्या मिला होगा? ये चीज़ मिली है हमें कॉन्ट्रीब्यूशन सर, कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है अभी तक तो, और हम सोच रहे थे इनफ्लो मिल गया, बस डेप्रिसिएशन एडबैक करना है। नहीं सर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपके पास में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्या ये चीज़ आपको समझ आई? ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे गलती रहती है आपके पास में, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके पास, कभी भूलना नहीं। ये क्वेश्चन इसलिए करवाया जाता है कि नॉर्मली स्टूडेंट यहीं पे गलती, बाकी तो सब कुछ सिंपल है आपके पास में, ठीक है। अब बस कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है आपके पास में, तो कहता है कि सर अब क्या करेंगे? सीधी सी बात है, कॉन्ट्रीब्यूशन में से अब फिक्स कॉस्ट माइनस करते, डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस कर देते, तो आपको क्या मिलता है? अर्निंग बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स माइनस करते। अच्छा, टैक्स क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं गिवन है, तो मैंने क्या कहा था, एज्यूम करेंगे कि टैक्स है ही नहीं। तो कहते हैं इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन साथ साथ सब कुछ, ठीक है, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे आपके पास में, यहाँ पे भी हमने माइनस ही किया था। कहता है फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे कितना है? 40,000 माइनस कर देंगे, वो भी पर एनम है तो पर एनम में आपके पास में माइनस कर देंगे, क्लियर है। तो पर एनम आपने माइनस कर दिया, तो अब क्या मिल जाएगा? 62,500 माइनस 40,000, तो क्या मिलेगा आपके पास में? 22,500 क्या मिला? कहता है अर्निंग बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स आपके पास में, ठीक है, पर एनम।
ओके सर, आपके पास में ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है। कहते हैं सर जी बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स करने के बाद डेप्रिसिएशन एडबैक कर देना, आफ्टर टैक्स करने के बाद डेप्रिसिएशन एडबैक कर देना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। बताइए डेप्रिसिएशन टैक्स कितना है, टैक्स क्वेश्चन में है ही नहीं आपके पास में, टैक्स तो है ही नहीं, तो टैक्स तो कोई बनता नहीं है। अब सिंपली वापस से एडबैक करना पड़ेगा, क्या चीज़ सर, जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह आपने माइनस किया वो एडबैक करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्लियर है, एडबैक करना पड़ेगा आपके पास में। टैक्स होता तो टैक्स बेनिफिट लेके फिर डेप्रिसिएशन को एडबैक करते, लेकिन सर इसमें ऐसा है कि सर टैक्स तो है नहीं, तो सीधी सी बात है वापस से डेप्रिसिएशन को एडबैक कर दो। ठीक है, डेप्रिसिएशन दिक्कत वाली बात यह है कि ये तो आपके पास में जो 40,000 है उसमें फिक्स कॉस्ट मिला हुआ है, डेप्रिसिएशन मिला हुआ है, ये फिक्स कॉस्ट है वो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। क्या है सर, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखना। अब फॉर्मेट के हिसाब से सर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन सब कुछ माइनस कर दिया तो ये क्या मिला, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स है नहीं तो सीधी सी बात है यही अर्निंग आफ्टर टैक्स है, और उसके बाद क्या करना होता है, जैसे ही डेप्रिसिएशन एडबैक कर दोगे काम खत्म हो जाएगा। अब मुझे डेप्रिसिएशन एडबैक तो करना है, लेकिन कहते हैं 40,000 में से डेप्रिसिएशन कितना है वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी है डेप्रिसिएशन भी है, मुझे तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट एडबैक करना है। क्या फिक्स कॉस्ट का अमाउंट एडबैक होता है, आंसर इज नो। फॉर्मेट चेक करिए, मैंने फर्स्ट पेज पे लिखवाया है, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मैंने फॉर्मेट लिखवाया है, देखिए क्या लिखवाया है, कहता है सिर्फ डेप्रिसिएशन एडबैक करना है क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को एडबैक करना है, वो नॉन कैश आइटम है इसलिए। तो अब क्या करूँ सर, 40,000 में से कैसे निकालूँ डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसने एक हिंट दिया, अगर आपने देखा हो तो कहते हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन बेसिस। कहता है खुद से निकाल सकते हो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन, कैसे कहता है बताइए, जैसे बचपन में निकालते थे 1,25,000 टोटल आपके पास में कॉस्ट है। ठीक है, अगर स्क्रैप वैल्यू है तो उसे माइनस कर देना और डिवाइड बाई लाइफ, नंबर ऑफ लाइफ आपके पास में कितने हैं, 5 साल, तो डिवाइड बाई 5, तो काम ख़त्म। 1,25,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाई 5, तो ये आपके पास में आ गया कि सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था, 19,000 पर एनम। लो जी, तो पता भी चल गया कि 40,000 में 19,000 किसका था, डेप्रिसिएशन का था, बाकी का सर बाकी का फिक्स कॉस्ट, सीधी सी बात है। ठीक है, बाकी का क्या है, फिक्स कॉस्ट, सिंपल है। तो कहता है 19,000 को एडबैक कर देंगे, लो जी 19,000 को क्या कर दिया सर, एडबैक कर दिया, और आपके पास में कैश फ्लो आ गया, बिल्कुल सर आ गया, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस एक पॉइंट याद रखना था, वो जो पढ़ने वाला बात थी वो। ठीक है, तो ये पर एनम आपके पास में, तो 22,500 प्लस 19,000, तो ये आपके पास में आ गया 41,500 पर एनम। ये क्या आ गया, कैश फ्लो, ये क्या आ गया सर जी, कैश फ्लो। लो जी, काम ही ख़त्म हो गया, बता दीजिए इसमें कोई दिक्कत हो तो। बस एक वो पॉइंट बस ध्यान रखने वाली बात थी जो मैंने अच्छे से आपको पढ़ा दिया, अब मुझे नहीं लगता कि आपको भूल सकते आप, एक बार गलती करवा के पढ़ा दिया है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई स्टूडेंट की गलती हो सकती है, उसमें कोई भी स्टूडेंट की गलती हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी गलती जो होने वाली थी वो तो मैंने करवा के आपको बता दी। ठीक है, तो ये लीजिए आपके पास में, ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या मिल गया सर, कैश फ्लो, और कैश फ्लो में कैश इनफ्लो बेसिकली, आउटफ्लो तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से, वो तो हमने निकाल के लिख भी दिया, ये आपके हर साल आपके पास में 41,500 कमाने वाले हो। ठीक है, तो लिख दो हर साल आपके पास में, अब क्या ही दिक्कत है, क्वेश्चन वैसे रीड हो चुका है ना, अब कोई ज़रूरत है, हाँ 10,000 और 15 है ना, ऐसा रखना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहता है हर साल अब आप कमाएंगे कितना, 41,500 इनफ्लो। अच्छा, हर साल मतलब कि ईयर वन भी, ठीक है, ईयर वन में बेशक आप रिमेनिंग पेमेंट कर रहे हो, लेकिन ईयर वन में कमाओगे नहीं क्या, मशीन तो परचेस कर लिया, कमाओगे, ज़रूर कमाओगे। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जगह करनी पड़ेगी बेसिकली, गलत तरीके से मैंने कर दिया यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ,
और इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास में ऐसा है सर जी कि 25,000 तो इस साल जाने वाला है ईयर एंडेड पे, और 41,500 आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? 25,000 तो पेमेंट करना है, रिमेनिंग जो खर्चा होने वाला था वो तो कर ही दिया, लेकिन वो इनकम कमाने वाले वो तो कमाने ही वाले सर। बिल्कुल सही है आपके पास में, ये चीज़ आपके पास में क्लियर हुई? सिंपल सा पॉइंट है। तो कहते हैं कि चलो ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर की पेन से थोड़ा यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली कहते हैं आपके पास में, एक काम करता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट में ही दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो खर्चा भी लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आ जाइए वर्किंग नोट पे ही आ जाइए। वर्किंग नोट नंबर आपके पास में 2 पे आ जाइए। वर्किंग नोट नंबर आपके पास में 2, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाइए। कहता है कि इनफ्लो ऑफ द वन इल्फो इनफ्लो ऑफ ईयर वन, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा, वो भी नेट इनफ्लो। ब्रैकेट में लिख देना नेट, मतलब कि खर्चा वगैरह माइनस करके यहीं पे दिखा देते, फिर डायरेक्ट वहाँ पे ऊपर कॉपी पेस्ट कर देंगे अमाउंट। बताइए सर, ईयर वन में आपके पास में, ईयर वन लिखना भूल गया क्या? ईयर वन इनफ्लो ऑफ द ईयर वन नेट आपके पास में। कहता है कि सर जी पेमेंट करना है, ठीक है, तो कहता है आउटफ्लो आपके पास में है, ठीक है, आउटफ्लो कितना है? कहता है 1,25,000 का 20% कितना आ रहा है बताइए। कहता है रुपीज़ 1,25,000 का 20% मतलब कि 25,000, ये तो पे करना है, ये माइनस है, ठीक है, ईयर वन में ये जाएगा। कहता है इनफ्लो कितना होने वाला है? इनफ्लो आपके पास में है, वो तो हर साल सेम ही है, कितना है? 41,500। कहता है 41,500 रुपीज़, ये प्लस में दिखेगा, इनफ्लो है, ठीक है। और कहता है एक एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला था ईयर वन और टू में। कहता है ईयर वन और टू में आपके पास में एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है, कितना? 10,000 और 15,000, किस चीज़ का? सेल प्रमोशन। तो कहता है यहाँ पे एक और खर्चा होने वाला है, सेल प्रमोशन एक्सपेंस, सेल प्रमोशन एक्सपेंस कितना है? कहते हैं सर एक्सपेंस है, माइनस में दिखाना, कितना है ईयर वन के लिए? 10,000, तो ये 10,000 नेट अमाउंट दिखा दो, डायरेक्ट वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, देख लो। 25,000 माइनस है, प्लस 41,500 और प्लस 10,000 वो भी माइनस में, कहता है 6,500। लो जी रुपीज़ 6,500 वो भी प्लस में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कहते हैं यहाँ पे जाएंगे और 6,500 दिखा देंगे और लिख देंगे कि सर वर्किंग नोट नंबर 2 देख लीजिए हमारी, हमने वहाँ पे दिखा रखा है किस तरीके से है ये आंसर। लो जी काम ही ख़त्म हो गया, बहुत बढ़िया। ईयर 2 के लिए बता दीजिए। तो ईयर 2 के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो ईयर 2 में वैसे तो इनकम हर जगह सेम होने वाली है ना, तो इनकम तो लिख ही देता हूँ, 41,500 था ना, एक बार के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, रुकिए ज़रा। हाँ 41,500 वो तो हर साल कमाने वाले, वो तो सबसे पहले लिख ही देता हूँ, 41,500, ठीक है। अब मुझे बताइए ईयर 2 में कोई आउटफ्लो का कोई पेमेंट करना है कि आंसर इज नो, हो गया ना 100%, 80% यहाँ पे, 20% यहाँ पे, वो तो काम ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे उस चीज़ की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और कोई पेमेंट? कहता है हाँ जी ईयर 2 में ये सेल एक्सपेंस खर्चा करने वाले थे वो थोड़ा सा करना पड़ेगा, ओके। कहता है 15,000 का, ओके सर। और कुछ? और कुछ नहीं सर, और बताइए आप, ठीक है ना। और ईयर 3-4 में नहीं, ऐसा कोई खर्चा नहीं है, काम ख़त्म हो गया सर। अब परसेंटेज कितना था? 10%, निकाल लीजिए एनपीवी।
निकाल लीजिए एनपीवी सर, यहाँ पे आपके पास में आंसर निकाल लेना 41,500 माइनस 15,000 तो कहता है 26,500 आपके पास में ये आंसर आएगा। अब बस पीवी फैक्टर लिख दीजिए और एनपीवी निकाल के मुझे दे दीजिए आपके पास में, क्लियर है। तो एक बार के लिए पीवी फैक्टर ईयर ज़ीरो में तो ऑलवेज वन होता है, यहाँ पे 10% के हिसाब से निकालिए। वैसे पीवी फैक्टर क्वेश्चन में नहीं गिवन थे राइट, तो हम फोर डिजिट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 / 1.1 इज इक्वल टू, तो कहता है 0.9090, ठीक है। अब इक्वल टू प्रेस करेंगे, आ गया आपके पास में 0.8264 और एक बार इक्वल टू 0. आपके पास में 7513 और एक बार इक्वल टू 0.6830 और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.6209। लो जी काम ही ख़त्म हो गया। अब एनपीवी निकाल लेंगे आप खुद से, कहता है यहाँ पे तो 1 लाख माइनस में आ ही रहा है, यहाँ पे 6500 इंटू 0.9090 तो कहता है आपके पास में 5908.5। इसके बाद यहाँ पे कहता है 26,500 इंटू 0.8264 इज इक्वल टू, तो 21,900 आ रहा है, 21,900 ठीक है। इसके बाद 41,500 इंटू 0.7513 तो कहता है आपके पास में 31,179 कर देता हूँ, चलिए 31,179 ठीक है। इसके बाद कहता है 41,500 इंटू 0.6830 तो 28,345 कर देता हूँ। एक दो अमाउंट से तो एक दो रुपए से तो आगे पीछे होता ही है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो पॉइंट की वजह से, तो घबराने वाली बात नहीं है। 44 भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 100-200 रुपए तो आगे पीछे होते रहते हैं। कब? जब वो पीवी फैक्टर नहीं देता तब। पीवी फैक्टर वो दे ही रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर पीवी फैक्टर दे रहा है तो एग्जैक्ट आंसर वही जो आंसर आ रहा है वही लिखिए, पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में भी लिखिए ठीक है, वहाँ पे एग्जैक्ट लिखिए। अच्छा यहाँ पे 41,500 इंटू 0.6209 तो ये आपके पास में आ जाएगा 25,767, क्लियर है आपके पास में। और एक चीज़ जो स्क्रैप मिलने वाली थी फिफ्थ ईयर के एंड में, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी हमने, यहाँ पे लेना नहीं चाहिए था, पहले स्क्रैप तो ऐड कर दो, क्वेश्चन को हमने कहाँ पे भेज दिया। स्क्रैप वगैरह भी मिलने वाला था ना, तो स्क्रैप वगैरह कहाँ गया, स्क्रैप वगैरह भी लिखना नहीं पड़ेगा दोस्तों। मैंने कहा था ना वो इन्फ्लोई माना जाएगा, तो कितना है वो 30,000 तो यहाँ पे 30,000 लिखेगा कौन दोस्तों, लिखना पड़ेगा या फिर नहीं, सिखाया था ना, क्वेश्चन भी करवाया था आपके पास में, तो 30,000 वो भी हो जाएगा। तो 41,500 प्लस 30,000 इंटू 0.6209 आपके पास में, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर होनी चाहिए ठीक है। तो ये कहता है 44,394 आपके पास में, और यहाँ पे आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा 31,000 आपके पास में समथिंग आ रहा है, 31,726 रुपीस ठीक है, और इन रुपीस है ये लिख दिया है ना हमने, यहाँ पे लिख दो रुपीस में ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ये एनपीवी आपके पास में आ गया और ये पॉजिटिव आ रहा है आपके पास में ठीक है। तो कैलकुलेशन करके ज़रा देख लीजिए, यही आंसर आ रहा है, हो सकता है कई कबार मेरे कैलकुलेटर में बटन दूसरा प्रेस कर दिया हो, क्योंकि स्क्रीन पे मेरा फोकस होता है तो कई बार आगे पीछे हो जाता है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियों को आप जो है खुद से सुधार लीजिए, और हाँ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिए ताकि वो आपका मैसेज जो है पिन कर दूँ कि हाँ जी मेरे से यहाँ पे गलती हो गई और स्टूडेंट ने बता दिया है ठीक है, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इन्फॉर्म रहे। तो मेरी गलती होती है तो बिल्कुल आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, मैं आपके मैसेज को पिन कर दूँगा, ज़रूरी थोड़ी है मेरी कोई गलती नहीं होगी ठीक है। मेरा फोकस होता है आपके पास में स्क्रीन पर, तो कैलकुलेटर में कई कबार हो जाती है गलती ठीक है, हम भी तो इंसान हैं ठीक है, सारी जगह एक साथ कैसे फोकस कर सकते हैं, सीधी सी बात है। और ये कैलकुलेटर जो है मुझे बदलना पड़ेगा, ये एक तो दो तीन बार तो बटन यहाँ पे प्रेस करना पड़ रहा है
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पड़ा हुआ है तो यही चलाना पड़ेगा, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। चलिए ये क्वेश्चन आपके पास में एक बार मैं सॉल्यूशन देख लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बटन प्रेस करने में कहीं गलती तो नहीं की है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, कितना आंसर आ रहा है, अच्छा सही है, ठीक है। वो मैंने कहा था ना 100-200 से तो फ़र्क आ सकता है, क्योंकि वो आपके पास में क्या होता है, पॉइंट की वजह से चेंजेस आ जाते हैं बेसिकली, तो ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बटन प्रेस करने में गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करेक्ट है आपके पास में। तो ये आपके पास में कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी करवा चुके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 तो वैसे एक बार देख लूँ मैं ज़रा, अच्छा रीड कर लेते देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होमवर्क में देने लायक है, एक बार के लिए देख लेते हैं, चलिए रीड करते बाद में पता चलेगा। कहता है LI प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी है, ठीक है, नाम तो वैसे बदलते रहते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे क्या कहता है, कहते हैं आपके पास में कि मशीन जो है वो परचेज़ करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले मशीन में, और कहते हैं परचेज़ करेंगे 1 लाख रुपीज़ कॉस्ट पे, ठीक है, इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1, बढ़िया, बिगनिंग ऑफ द ईयर 1, क्या लिखा है सर, अब देने का तरीका बदल दे रहे, क्वेश्चन को देने का तरीका थोड़ा सा बदल रहे हैं, ईयर 0 को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके बिगनिंग ऑफ द ईयर 1 लिख दिया। अरे भाई ईयर 0 ही है, अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे वही चीज़ तो है, और अभी स्टार्टिंग से तो बताता आ रहा हूँ कि इसको ऐसे लिख सकते, तो अब ये वापस से नहीं बताऊँगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-5 बार तो मैं मिनिमम पढ़ा चुका हूँ ये बिगनिंग बिगनिंग बिगनिंग, कितनी बार और पढ़ाना, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। इसके बाद नेट कैश इनफ्लो फॉर्म जो आपके पास में ऑपरेशन वो आपको दे रहा है 36,000 पर एनम के हिसाब से कमाएंगे 3 साल तक, ठीक है, तो 1 लाख रुपये का मशीन पड़ेगा, वो आपको कितनी अर्निंग देगा हर साल, 36,000 आपको अर्निंग देगा 3 साल तक, तो 36,000 3 साल तक, तो x3 करेंगे तो कैलकुलेटर के हिसाब से तो 1,08,000 आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू में नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये नेट कैश इनफ्लो है, मतलब कि सारा खर्चा माइनस करके 36,000 आपके पास में बचेगा, ठीक है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, देखिएगा मशीन के बारे में दो ऑप्शन है, कहता है कि ऐसा है कि सर मशीन प्रॉपरली फंक्शनिंग करे, प्रॉपरली चले, इसके लिए आपको या तो सर्विस करवानी पड़ेगी, ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो सर्विस करवाइए या फिर कहता है रिप्लेस करवाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। अब कहता है कि अगर कंपनी सर्विस करवाने का ऑप्शन ऑप्ट करती है तो कहता है एट द ईयर एंड ऑफ 1, ठीक है, मतलब कि 1 साल जब ख़त्म होगा तब आपको खर्चा करने पड़ेगा 20,000 का, ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू इसकी आपके पास में ईयर 3 में 25,000 मिल जाएगी, बहुत बढ़िया। एक बार के लिए यहाँ पे साइड में लिख भी लेते, क्या कहना चाहता है सर जी, कहता कुछ इस तरीके से है कि अगर आप सर्विस का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, सर्विस, तो इसमें ऐसा है सर जी कि जो 1 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है परचेज करोगे वो तो होगा ही होगा, ठीक है, ईयर 0 पे, ईयर कौन सा 0, कौन सा 0, ईयर 1 है क्या, नहीं सर, बिगनिंग ऑफ द ईयर 1 मतलब कि ईयर 0 पढ़ाया था, 5-10 बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद कहता है इनकम होने शुरू हो जाएंगी 36,000 पर एनम के हिसाब से, ठीक है, 4 आपके पास में 3 इयर्स, ठीक है, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, ठीक है, यह चीज़ भी आपके पास में क्लियर है। आगे कहता है कि अगर सर्विस का ऑप्शन ऑप्ट करा तो ये तो कॉमन है, ये तो कोई भी ऑप्शन ऑप्ट करो ये तो कॉमन है, मेन चीज़ जो है कहता है सर्विस का ऑप्शन ऑप्ट किया ना तो 20,000 रुपीज़ का खर्चा करना पड़ेगा ईयर 1 के एंड में, तो 20,000 का खर्चा मतलब कि माइनस, और पर एनम नहीं, एक ही बार खर्चा करना है, ठीक है, 20,000 सिर्फ एक बार खर्चा करना है, ईयर 1 के एंड में सर्विस करवा दो 3 साल ऑटोमेटिकली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है,
तो कहता है ईयर वन में, ईयर वन मतलब कि एंड, ठीक है, पी फैक्टर यहाँ पे ईयर वन का लगाना है। और यहाँ पे इसके बाद क्या कहता है, सर स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी, तो ये स्क्रैप वैल्यू है, कितनी मिलेगी, कहता है 25,000। ये तो एक तरीके का इनकम है, ईयर एंड मतलब कि आपके पास में मशीन की लाइफ जब एंड होती है तो 25,000 इनफ्लो में ऐड करना होता है, बस लॉजिक काम ख़त्म हो गया। अब थोड़ा हाइलाइटर का कलर चेंज करते हैं और दूसरी चीज़ को बात करते हैं। कहता है हाउएवर अगर कंपनी डिसाइड करती है कि सर्विस नहीं करवानी, अपने को रिप्लेसमेंट करवा देना है, तो क्या होगा? तो कहते हैं कि सर ईयर टू में आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा, मतलब कि पहले दो साल पूरा यूज़ करिए, ईयर टू का एंड आएगा तब आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा और ख़र्चा करना पड़ेगा 30,800 का। लेकिन कहता है अगर ये करवाया ना तो मशीन जो है वो 3 साल की जगह 4 साल काम करेगा, बहुत बढ़िया, 4 साल काम करने लगेगा। और कहता है कि ऑपरेशनल कैश इनफ्लो जो है वो 36,000 है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और फोर्थ ईयर में भी मिलेगा, ये कहना चाहता है। पहले 3 साल ही मिलता था ना, अब 4 साल मिलेगा, क्योंकि 4 साल हो गए इसकी लाइफ, क्यों, क्योंकि रिप्लेस करवा दिए कुछ पार्ट्स, यहाँ पे रिप्लेस करवा दिए हो गया आपने, तो मशीन की एक तरीके से लाइफ जो है वो बढ़ गई। मशीन रिप्लेस नहीं करवाया, उसके कुछ पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करवाए ताकि मशीन पूरी तरीके से काम करना शुरू कर दे। और कहता है ऐसे में आपके पास में स्क्रैप वैल्यू भी मिलेगी, जैसे 4 साल ख़त्म हो जाएंगे 18,000 रुपये मिल जाएंगे। कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट का 10% है और इग्नोर वगैरह टैक्स, कहता है कि टैक्स रेट तो है ही नहीं, तो वो तो भूल ही जाओ आपके पास में। और कहता है डिटरमाइन करिए कि परचेज करना सही रहेगा या फिर नहीं, और सही रहेगा तो कौन से ऑप्शन के हिसाब से सही रहेगा वो बता दीजिए। तो बेसिकली एनपीवी निकालने के लिए कह रहा है, और वैसे भी एनपीवी निकालते इस दो ऐसे सिचुएशन के अंदर। और एक चीज़ ध्यान रखना, कहते हैं कि अगर जो सप्लायर है इस मशीनरी का वो हमें 10,000 का डिस्काउंट दे तो क्या होगा, ठीक है, 10,000 का डिस्काउंट दे तो क्या होगा, और 10% के हिसाब से पे फैक्टर ऑलवेज गिवन है आपके पास में, ठीक है, तो यही लेने पड़ेंगे। और इस बार पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिए तो यही लेने होंगे कंपलसरी, ज़्यादा होशियारी नहीं मानने की, ठीक है। चलिए तो ये ऑप्शन नंबर 1, और यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या कौन सा था नेक्स्ट ऑप्शन, रिप्लेसमेंट का, ठीक है, कि कुछ पार्ट्स को रिप्लेस करवा दिए। देखिए मशीन रिप्लेस नहीं हो रहा है दोस्त, पार्ट्स रिप्लेस हो रहा है, मशीन तो वही चल रहा है, उसकी फंक्शनिंग अच्छे से हो तो कुछ पार्ट्स को हम रिप्लेस करवा रहे हैं, ठीक है। तो कहता है रिप्लेसमेंट उस ऑप्शन के अंदर क्या कहता है, कहते हैं नॉर्मल चीज़ें हैं तो वो तो है नहीं होनी है, 1,00,000 रुपये में परचेस करना, ठीक है, वो 36,000 ईयर ज़ीरो पे आपको खर्चा करना है, ईयर ज़ीरो वो 36,000 3 साल तक मिलना, वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन रिप्लेस करवा दोगे तो ये 36,000 हो जाएगा फॉर 4 ईयर आपके पास में, ये बस इम्पोर्टेंट पॉइंट था बस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, 4 साल हो जाएगा, फोर्थ ईयर में भी 36,000 का इनकम देगा ये, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके लिए खर्चा भी तो करना पड़ेगा, ईयर टू में खर्चा करना पड़ेगा 30,800 का, ईयर टू, ओके। इसके बाद स्क्रैप मिलेगा फोर्थ ईयर में, ईयर फोर कितना, 18,000, ओके। और कुछ कोई बातें नहीं सर, तो बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन, कहाँ सर क्वेश्चन सॉल्व तो करवाइए, ये करवाने की ज़रूरत है क्या, इतना सा दिमाग नहीं लगा सकते, सिंपल सा है, चलिए ऊपर ऊपर से थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ सॉल्यूशन में जाके, ठीक है, ये होमवर्क में ही रहेगा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए, वरना फिर बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ कोई डाउट होता है तो बिल्कुल बताइए, सॉल्यूशन आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा था, 7, ये रहा, अच्छा इन लोगों ने ऐसे लिखा है, अपने तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, जो फॉर्मेट बनाते वही बनाना, ईयर का, फिर उसके बाद कैश फ्लो, उसके बाद पीवी फैक्टर, और उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू, दोनों तरीके से निकालेंगे, एक सर्विस ऑप्ट किया है तो, और रिप्लेसमेंट ऑप्ट किया है तो, दोनों तरीके से निकालिए, किसका एनपीवी अच्छा रहता है वो आपको निकालना है, और फिर हम लास्ट में आंसर अपना देंगे, ओपिनियन डिसीजन बेसिकली, कि हम कह देंगे कि जो भी आप जिसमें भी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आ रही वही आपके पास में कहेंगे। तो कहता है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बेहतर है, मतलब कि आपके पास में इन्वेस्टमेंट का बेहतर होगा, ठीक है, तो ये आपके पास में एनपीवी इसका ज़्यादा होगा इसलिए आपके पास में, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, होमवर्क में दे रहा हूँ दोस्तों, कैलकुलेशन ज़रूर करना, और इस तरीके से खबरदार किसी ने किया तो,
वरना सॉल्यूशन पे कॉपी करके यहाँ ऐसा ही माना जाएगा। कैसे करना है सर? सिंपली एक तरीके से यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो है क्या करेंगे, हेडिंग देंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हेडिंग देंगे आपके पास में कि एनपीवी बाय ऑप्शन वन, ठीक है। और ऑप्शन वन क्या है, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे क्या ब्रैकेट में, सर्विस, तो सर्विस लिख दिया। और फिर सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करेंगे, ईयर, यहाँ पे 3 साल ही है, 0, 1, 2, 3 ख़त्म। ईयर वन में कितना खर्चा होने वाला है, ये सारी चीज़ें तो मैंने यहीं पे लिखवा दी, बस यही को तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम ही ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं कि सर ये चीज़ हो गई, कैश फ्लो लिख देना, ठीक है। कैश फ्लो में यहाँ पे 1 लाख थोड़ा बहुत लिखवा देता हूँ। ईयर वन में कहता है कि सर इनकम भी होगी और थोड़ा खर्चा भी है, वो दोनों यहाँ पे प्लस और माइनस करके जो भी आंसर आ रहा है कर लेते, आगे का क्वेश्चन करवाए वैसे ही आपके पास में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में, अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 करवाया ना, तो वैसा ही है सब, और 3 साल तक आपके लेना। और तीसरे साल में ध्यान रखना स्क्रैप भी है, तो वो से भी ऐड करना स्क्रैप को, और बस पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। पी फैक्टर ऑलवेज गिवन है आपके पास में, तो वही कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। 3 साल के पी फैक्टर और काम ख़त्म, बस एनपीवी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कहता है डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट का मतलब होता है कि आपका इनकम एक तरीके से बढ़ गया, बेनिफिट हो रहा है ना, तो कहते हैं एनपीवी जो भी आ जाए उसमें 10,000 ऐड करना, ऐड करना दोस्तों, ऐड, डिस्काउंट का मतलब आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो फ़ायदे पे फ़ायदा, फ़ायदे पे फ़ायदा ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको नेट अमाउंट मिल जाएगा, मेन अमाउंट मिल जाएगा, मेन आंसर क्लियर है। ये सबसे पहले आपने ऑप्शन वन से निकाला, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 से निकालेंगे, कहता है एनपीवी बाय ऑप्शन 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे कि रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेसमेंट। और फिर वापस से ईयर, लेकिन इस बार ध्यान रखना ईयर 4 हो गए, 1, 2, 3 और 4, 4 साल तक मिलने वाली इनकम। और जो भी यहाँ पे लिखवा है बस वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखते चलनी है, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से पॉइंट्स है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कैश फ्लो लिख देना जो मैंने यहाँ पे लिखवा है, पी वी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, पी वी फैक्टर भी क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करने हैं, और एन पी वी आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एन पी वी आपके पास में आता है 10,000 ऐड कर देना जो भी आया, ठीक है, इसमें ऐड कर देना 10,000, और लास्ट में जो आया आंसर वो मेन अमाउंट है। कहता है कि सर ऑप्शन ऑप्ट करने लायक कौन सा है, तो कहता है कि दोनों में से एनपीवी ज़्यादा और पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों में अगर नेगेटिव है तो हम कह देंगे कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मशीन परचेज मत करो, लेकिन कोई भी एक ऑप्शन में पॉजिटिव एनपीवी आ गया या फिर दोनों में पॉजिटिव आ रहा है तो जिसमें ज़्यादा है वो कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मेन अमाउंट है दोनों में, देखना किस में ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होगा वो ऑप्ट करने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से ट्राई करिए। अगर ऐसे क्वेश्चन खुद से, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो फिर क्या ही मतलब है इस चीज़ का, क्लियर आपके पास में, ओके। इसके बाद यहाँ पे परचेज़ किया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, नवजीवन हॉस्पिटल, सेल्वेज वैल्यू आपके पास में है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास में 22, ओके, ये चीज़ आपके पास में गिवन है, ठीक है, और ओके ओके। चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ी से रीड करते हैं, ये भी आपके पास में होमवर्क में ही जाने वाला है, एक बार के लिए देख लेते क्या क्वेश्चन में कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम रीड करें आपके पास में, तो कहता है कि एक नवजीवनी हॉस्पिटल करके है, ठीक है। और नवजीवनी हॉस्पिटल क्या करते हैं कि फ़िलहाल चाहते हैं कि एक परचेज़ करें एक मशीन, ठीक है, मशीन परचेज़ करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। और कहता है रेडियोग्राफी का मशीन है, और कहते हैं इसकी प्राइस जो है वो 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है, 2 लाख रुपए का मशीन है। प्रोजेक्टेड लाइफ इसकी कह रहा है 8 साल की है, बहुत बढ़िया, 8 साल चलेगा, मतलब कि 2 लाख का मशीन परचेज़ करिए 8 साल तक चलेगा। और सेलवेज आपके पास में 18,000 है, तो 8 साल ख़त्म होंगे, सेलवेज आपको मिल जाएगी 18,000, वो इन्फ्लो में ऐड कर देना, वैसे लिख भी रखा है एट द एंड ऑफ द 8 ईयर, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। सेलवेज वर्ड का मतलब ही होता है कि जैसे लाइफ ख़त्म होती है उसके बाद में ही आपको सेलवेज मिलती है, सीधी सी बात है, तो ये बता रखा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखा है एनुअल,
एनुअल मतलब कि हर साल, ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखा जहाँ पे हर साल की डायरेक्ट कॉस्ट गिवन थी। तो हम क्या करते हैं सर, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर देते बेसिकली, तो नेट अमाउंट लिख लेते और फिर नेट अमाउंट हर साल आपके पास में लिख देते। वहाँ पे 41,500 निकाला था अभी अभी, तो वैसे ही निकाला था, वैसे ही यहाँ पे भी निकाल लेंगे। कहता है ऑपरेटिंग जो एनुअल कॉस्ट है वो 22,500 है और एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू है हर साल का वो 120,000 है। तो बस क्या करेंगे, 120,000 में से 22,500 माइनस कर देंगे तो नेट इनफ्लो आ गया, काम खत्म। कोई बड़ी बात तो है नहीं आपके पास में। और 8 साल तक होने वाला ये इनफ्लो, कहता है कि जो 4 आपके पास में यहाँ पे जो कहा है कि 48 ईयर आपके पास में, तो क्लियर है आपके पास में। प्रेजेंट वैल्यू सॉरी यहाँ पे कहता है प्रेजेंटली आपके पास में, अभी करंटली बात कर रहा है, हाईलाइट चेंज कर लेते हैं आपके पास में। कहता है प्रेजेंटली अभी क्या कर रहा है हॉस्पिटल, ये तो चलो परचेज करने की बात सोच रहा है हॉस्पिटल, लेकिन अभी क्या कर रहा है। कहता है अभी तो आपके पास में ये जो काम है पूरा रेडियोग्राफी का वो आउटसोर्स कर रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अपने जो कस्टमर होते हैं हॉस्पिटल के, वो कस्टमर को रेडियोग्राफी का वर्क होता है तो वो आप जो है आउटसोर्स कर रहे हैं, मतलब कि कस्टमर को दूसरी जगह भेज रहे, अपने नेबर में टेस्ट सेंटर है वहाँ पे भेज रहे, और वो टेस्ट सेंटर उनसे फीस कमाता है, तो अपना क्या फ़ायदा। कहता है कि वो अपने को कमीशन देता है 36,000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से। तो अब मेरी बात सुनिएगा, अगर हमने मशीन परचेज कर लिया और हम ही ये सर्विस देने लगे तो ये क्या कमीशन देगा, आंसर इज नो। कमीशन क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारे कस्टमर हम उनके वहाँ भेज रहे ये सर्विस लेने के लिए, इसलिए वो उन कस्टमर से कमा रहा है और उनमें से कुछ कमीशन हमें दे रहा है 36,000 पर एनम के हिसाब से। हॉस्पिटल ये सोच रहा है कि अगर हम खुद मशीन परचेज कर ले तो हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है या फिर नहीं, ठीक है, ये सोच रहा है। इसलिए वो खुद कह रहा है आपसे कि आप एक काम करिए, आप हमें ये बताइए कि सर ये प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, ये मशीन परचेस करना प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं, कि ऐसे ही कमाते रहे कमीशन ये सही रहेगा। नॉर्मली आप ये जो कार वगैरह में होता है ना, वैसे ये न्यूज़ में देखते होंगे कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसे टायर की ज़रूरत होती है, तो टायर नॉर्मली क्या होता है कि दूसरी कंपनी से वो आपके पास में परचेस कर लेते हैं, ठीक है, और अपनी कार पूरी की पूरी मैन्युफैक्चर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ये सारी कैलकुलेशन करती है कि अगर हम टायर जो है वो दूसरी कंपनी से परचेज ना करके खुद मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करें तो कितना फ़ायदा होगा वगैरह वगैरह चीज़ें। तो बिल्कुल हॉस्पिटल ये ही देख रहा है, कहता है कि अगर मशीन हम खुद परचेज कर ले वो, और हम हमारे कस्टमर हमारे पेशेंट को ये सर्विस खुद प्रोवाइड करने लगे तो कितना इनकम होगा, और अभी हमारा इनकम 36,000 कमीशन के हिसाब से हो रहा है, उन दोनों में फ़ायदा किस में है वो देखना चाहता है हॉस्पिटल। तो क्या मशीन परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, वो आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, काम खत्म। कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, और कहता है पीआई से हिसाब से। देखिए क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा होता तो नेट प्रेजेंट वैल्यू से ही निकालते हैं, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज प्रेफरेबल। लेकिन अगर कोई अदर मेथड आपको पूछी है तो कैलकुलेट करना, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है इतने में। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू से आंसर बता देता, अगर पॉजिटिव आता आपके पास में तो हम कह देते कि हाँ मशीन परचेज कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे दोनों पूछा, एक एनपीवी पूछा है जो कि वो तो प्रिफरेबल ही है। कहता है पीआई के हिसाब से भी बताना, और यहाँ पे पीवी फैक्टर खुद दे रहे, टैक्स रेट आपको दिया है 30%, तो पीवी फैक्टर खुद दिया है और यहाँ पे देख लीजिए आपके पास में, तो बस कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही इसमें है, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन करते जाइए, काम खत्म। तो ऊपर का क्वेश्चन भी होमवर्क में रहा आपके पास में, ठीक है, अभी तक होमवर्क नहीं दिया था ना, ये लो होमवर्क पे होमवर्क, ठीक है, करिए आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क में, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट मैंने आपको एफएम समरी में लिखवाया था, ऑपरेटिंग आपके पास में अपॉर्चुनिटी इनकम से रिलेटेड, एक बार के लिए वो चीज़ ओपन करिए, ये अपॉर्चुनिटी इनकम पॉइंट नंबर 7 देखिए। कहते हैं अगर अपॉर्चुनिटी इनकम आपको रिसीव हो रही है ना, तो उसे क्या करना है सर। अपॉर्चुनिटी अगर इनकम आपके पास में रिसीव होती है तो क्या करना है, ऐड करना है सर सेल अमाउंट में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ऐड करना है सर सेल के साथ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपके पास में। अपॉर्चुनिटी इनकम होती है तो ऐड करना है सेल के साथ, और वहीं पे
अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको रिसीव होने वाली है लेकिन आपके प्रोजेक्ट की वजह से रिसीव नहीं होगी, तो उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, इनकम और कॉस्ट दो पॉइंट होते हैं, दो आपके पास में ऑपोजिट वर्ड है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी इनकम। कहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया, मान लीजिए, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया, ये आपके पास में प्रोजेक्ट है, ठीक है, और प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट करने की वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम हुई, एक्स्ट्रा, ठीक है, तो कहता है अपॉर्चुनिटी इनकम है आपके पास में, एक्स्ट्रा इनकम हो गई। लेकिन कहता है कि ये प्रोजेक्ट आपने अगर सिलेक्ट किया, उसकी वजह से उससे पहले कोई इनकम होने वाली थी, आपको इनकम हो रही थी बेसिकली, और ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने की वजह से अब वो इनकम नहीं होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आप एक बार के लिए पढ़िए वापस से। कहते हैं कि सर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कहते हैं कि अगर ये मशीन हमने इंस्टॉल कर दिया ना, तो ये इनकम होनी बंद हो जाएगी। सीधी सी बात है कि हमारे कस्टमर हमारे पास ही रहेंगे, हम किसी को नेबर को भेजेंगे नहीं, आउटसोर्स करेंगे नहीं, और आउटसोर्स करेंगे नहीं तो वो अपने को कमीशन देगा क्या? आंसर इज नो। हमारे कस्टमर वहाँ पे जा रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से वो हमें इनकम दे रहा था 36,000 की, तो वो अब देगा क्या? आंसर इज नो। तो ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया आपके लिए, जो इनकम पहले हो रही थी अब नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या ये चीज़ समझ आई? अपॉर्चुनिटी इनकम भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे कॉस्ट की बात करी गई कि पहले इनकम हो रही थी लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट का मतलब ये मशीन है बेसिकली, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो ये इनकम मिलना बंद 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 बंद। तो अगर इनकम बंद तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। क्या ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर है? बेसिकली लॉस हो जाएगा, और क्या ही कहे, लॉस हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो कहता है कि अगर लॉस हो रहा है तो क्या होगा, तो कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपके पास में लॉस हो जाएगा तो क्या होगा। तो कहता है अगर लॉस होता है तो सिंपल तरीके से समझिए, आपके पास में पॉइंट ये कहता है आपके पास कि अगर ये बिफोर टैक्स है, मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने थे भूल गया मैं, आपके पास में एक बार के लिए क्वेश्चन साइड में ही रखना पड़ेगा, कितना अमाउंट था, 36,000, हाँ 36,000। कहता है कि ये 36,000 को ध्यान से देखिए, क्या ये आफ्टर टैक्स है या फिर बिफोर टैक्स है। कहता है अगर बिफोर टैक्स अमाउंट है ना ये 36,000, तो डायरेक्ट एक काम करो, सेल में से जाके माइनस कर देना। लेकिन अगर ये आफ्टर टैक्स है, ठीक है, आफ्टर टैक्स है, तो आप एक काम करिए, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा, फिक्स कॉस्ट माइनस किया, डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस किया, उसके बाद टैक्स माइनस करते, उसके बाद जो अमाउंट मिलता है उसमें से माइनस करना, मतलब कि सारी चीज़ों में से टैक्स जब माइनस हो जाता है उसके बाद ये अमाउंट को 36,000 को माइनस कर देना। कहता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास में ये पॉइंट रहेगा, ठीक है, बाई डिफ़ॉल्ट बिफोर टैक्स ही ऐसा मान के सेल में से ही डायरेक्ट माइनस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है 36,000 पर एनम है, लेकिन कहता है नेट ऑफ टैक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट ऑफ टैक्स मतलब कि इसमें से टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, तो ये क्या है सर, ये आफ्टर टैक्स अमाउंट है, ये क्या है सर, आफ्टर टैक्स अमाउंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आफ्टर टैक्स होता है तो कहता है कि सेल में से सभी कुछ पहले माइनस होने दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, उसके बाद टैक्स माइनस होने दीजिए, उसके बाद क्या करना, उसके बाद ये चीज़ आप माइनस करना। तो दोनों केस में माइनस ही करना है 36,000, लेकिन तरीका डिफरेंट है। कहता है बिफोर टैक्स है या फिर कुछ भी नहीं कहा तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। कहता है कुछ भी नहीं कहा तो सेल में से माइनस करना डायरेक्ट, लेकिन आफ्टर टैक्स है, नेट ऑफ टैक्स जिसे हम कहते हैं, तो कहता है डिडक्ट करना कब, जब सारा टैक्स वगैरह माइनस हो जाए उसके बाद, क्लियर है। तो एक बार के लिए इसके सॉल्यूशन में ले चलता हूँ और वहीं से थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, उसके बाद होमवर्क में रहेगा आपके पास में, क्लियर है। चलिए आ जाइए इसका सॉल्यूशन में, चीज़ों को समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8, ये रहा। सबसे पहले तो देखिए सेल लिख देंगे, इस मशीन को परचेज करने के लिए सीधी सी बात है आप कितना कमाएंगे, कहता है 1,20,000, तो 1,20,000 कमाएंगे, 1,20,000 सबसे पहले लिख दिया सर, क्लियर है एकदम से। अब खर्चे के माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सारी चीज़ें माइनस करेंगे,
कहते हैं सबसे पहले तो जो डायरेक्टली आपको गिवन है क्वेश्चन में वो माइनस कर देते हैं 22,500। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब मैंने एक चीज़ मैंने लिखवाई थी सर, एक चीज़ मैंने जो लिखवाई थी आपके पास में कहाँ है? ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है सर, लिखवाई थी या फिर नहीं? हाँ लिखवाइए लिखवाइए। मैं घबरा गया, मैंने कहा कैसे भूल सकता हूँ, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कहता है वेरिएबल फिक्स दोनों मिला हुआ होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, मतलब कि सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसा ही वर्ड दिया है, ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं कि वेरिएबल है फिक्स है, तो मान के चलेंगे कि दोनों इसमें इंक्लूडेड है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेप्रिसिएशन का मैंने साथ ही साथ लिखवा दिया था, अच्छा हुआ लिखवा दिया। कहते हैं डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, कहते हैं डेप्रिसिएशन इसमें मिला हुआ है या फिर नहीं ये आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। कहते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालो और फिर चेक करो ऑपरेटिंग कॉस्ट से ज़्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है, ये चीज़ चेक करना है। कहते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑपरेटिंग कॉस्ट से कम है तो कहते हैं डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑपरेटिंग कॉस्ट से ज़्यादा है तो कहता है नॉट इंक्लूडेड, अलग से लेना पड़ेगा। एक बार के लिए मुझे इसका डेप्रिसिएशन बताइए, निकाल सकते हो? कुछ भी नहीं कहा तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे निकालते हैं, सीधी सी बात है आपको पता ही है, ठीक है? डेप्रिसिएशन तो निकालना ही पड़ेगा। कहता है 200,000 रुपये की मशीन है, ठीक है, 8 साल की लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू कुछ है, हाँ 18,000, तो 200,000 माइनस 18,000 18,000 डिवाइड बाई 8, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा सर, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। क्या अमाउंट आएगा सर, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है। कितना है आपके पास में, 22,750, इतना ही आ रहा है, 22,000 आपके पास में 750 डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है, 22,750। एक मिनट रुक जाइए, कितना आ रहा है, 22,000 22,750 ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। अब मुझे बताइए ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है। कहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपके पास में सर ये रहा 22,500। मुझे बताइए कौन ज़्यादा है। कहते हैं सर ये ज़्यादा है, मतलब कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा है तो मैंने क्या कहा था, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, डेप्रिसिएशन को अलग से लेस करना पड़ेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट तो लेस करिए, कोई दिक्कत नहीं, डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है अलग से। कितना, 22,750। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके पास में, तो बस यही चीज़ तो समझानी थी, हो गई आपके पास में। तो एक साथ आपके पास में दो पॉइंट कवर हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ गई बुक हमारी, चलिए, हाँ जी अब क्लियर है। तो कहता है कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट तो माइनस कर दिए, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन इसी के साथ माइनस हो चुका है? आंसर इज नो, अलग से करना पड़ेगा 22,750, तो वो कर दिया, तो सर अमाउंट आ गया, डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ माइनस हो गया, वेरिएबल फिक्स माइनस हो गया। अब क्या बारी आ गई सर टैक्स की, टैक्स रेट तो ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है, कितना है? कहता है 30% है, तो बस 30% माइनस कर दो, 30% माइनस कर दो सर जी, 30% माइनस कर दिया, तो आफ्टर टैक्स अमाउंट आ गया। अब जैसे ही ये अमाउंट आता है तुरंत मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद आना चाहिए सबसे पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद आना चाहिए। क्या करूँगा, सबसे पहले वो 36,000 हटा दूँगा, लेस करूँगा सबसे पहले, ताकि एक बोझ हल्का हो जाए हमारे दिमाग में, जो बोझ था जो याद रखने का वो काम ख़त्म हो गया, उसके बाद बाकी बातें कर लेंगे। क्या था डेप्रिसिएशन जो लेस किया था ऐड बैक कर दो, ठीक है, टैक्स बेनिफिट ले लिया ना, अब ऐड बैक करेंगे, काम ख़त्म। अब जो भी आंसर आ गया, नेट कैश इनफ्लो आ गया, काम ख़त्म हो गया सर। लो जी, तो हर साल ये लिखते रहेंगे, ठीक है, हर साल आपके पास में ईयर ज़ीरो, ईयर वन, ज़ीरो में आपके पास में खर्चा है वो तो लिख ही देना, ठीक है, 1,00,000 आपके पास में कितना है, 2,00,000, तो 2,00,000 आप माइनस कर देना, तो ईयर ज़ीरो में आपके पास में 2,00,000 का खर्चा है। ये क्या किया इन लोगों ने, अच्छा ये कुछ भी लिखते रहते हैं, ऐसा नहीं करने का अपने को वो फॉर्मेटिव बनाने का जो मैंने समझाया, ठीक है। यहाँ पे वापस एक बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, होमवर्क में ही रहेगा, एक्सप्लेन में एक बार कर लेता हूँ। कहता है फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे फॉर्मेट, ईयर लिख देंगे, ठीक है, ईयर 0, 1, 2, 3, अच्छा यहाँ पे हर साल सेम इनकम है तो आप एक काम कर सकते हैं 1 to 8 कर सकते हैं, और 8 ईयर में एक चीज़ और लिखना पड़ेगा, 8 ईयर में कहते हैं 8 ईयर में आपके पास में सैलरीज भी मिलने वाली 18,000, तो आप एक काम कर सकते हैं इस तरीके से, और हर साल कितना इनकम होने वाला है, कहता है आपके पास में 39,075, तो 39,000
75 और ईयर ज़ीरो में आपके पास में 2 लाख। लो जी ये कैश फ्लो मल्टीप्लाई कर देंगे पी फैक्टर से, पी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा एक बार मैं चेक कर लूँ, यही आंसर आ रहा है ना, नेट कैश फ्लो इतना ही है ना। हाँ नेट कैश फ्लो इतना ही है बस। तो कहता है पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, ईयर ज़ीरो के लिए तो 1 ही है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव लेंगे और यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 8 ईयर का, तो यहाँ पे पी फैक्टर गिवन है 8 ईयर का कितना है 0.467 और यहाँ पे क्यूमुलेटिव मतलब कि सबका टोटल निकाल लीजिए कितना आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं शॉर्ट में, कुछ 5.334 आएगा आपके पास में, अराउंड इतना आएगा, एक बार के लिए चेक कर लेना आपके पास में। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 2 लाख माइनस हो जाएगा आएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, एनपीवी आ जाएगा। एनपीवी बेसिकली आपके पास में समथिंग 16,832.05, ये मैंने कैलकुलेटर में फटाफट से किया, आप एक बार के लिए चेक कर लेना, ठीक है, इतना ही आ रहा है। ये शॉर्ट में मैंने आंसर भी बता दिया। लो जी तो होमवर्क में ज़्यादा कुछ आपके पास में रहा नहीं, आपके पास में सारी चीज़ें मैंने समझा दी, ठीक है, इतना ही आपके पास में, यहाँ पे भी आंसर आ रहा है, ठीक है, तो सेम आंसर आपके पास में है। लो जी तो काम ख़त्म, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क में रहेगा, तो होमवर्क लिख दिया, ओके, ये चीज़ आपके पास में हो जाती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एक बार के लिए रीड कर लेते, ये भी आपके पास में होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 तो वो चीज़ है जो आपके पास में, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मास्टर क्वेश्चन जो कि हमने इंक्लूड किया अपने पास्ट पेपर क्वेश्चन वाले में, ठीक है, तो वहाँ पे रहेगा आपके पास में, ठीक है, ये समझाता हूँ मैंने ये क्या लिखा इंक्लूडेड वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार रीड करिए, उसके बाद मैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कहते हैं कि एक्स वाई जेड करके कोई कंपनी है, प्लानिंग कर रही है एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने का, प्रोडक्ट वगैरह लाइफ कहता है 8 साल का है, जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे वो 8 साल की लाइफ है उनकी, ठीक है। कहता है इसके लिए मशीनरीज वगैरह परचेज़ करना पड़ेगा, इक्विपमेंट का है मशीनरी का है, कहता है 3.5 करोड़ रुपीज़ की पड़ेगी, ओहो बहुत बड़ा प्लांट लगता है 3.5 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 8 साल तक चलेगा। और मेन बात यह है कि सर एडिशनल खर्चा भी करना पड़ेगा, कहता है एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्ट भी आपको लगानी पड़ेगी 25 लाख रुपीज़, लेकिन वो कब लगेगी, कहता है थर्ड ईयर के एंड में लगेगी, तो थर्ड ईयर के एंड में 25 लाख रुपीज़ माइनस में लिखना भूलना नहीं है। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन जो ईयर ज़ीरो पे तो खर्चा करवा रहा है, ईयर थ्री के एंड में खर्चा करवाएगा आपके पास में, तो ईयर थ्री में भी 25 लाख रुपीज़ माइनस लिख के आना। कहता है एट द एंड ऑफ द 8 ईयर आपके पास में ओरिजिनल जो इक्विपमेंट है उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, मतलब कि सेलवेज नहीं मिलेगी, लेकिन जो एडिशनल है ना एडिशनल उसकी रीसेल वैल्यू मिलेगी 2,50,000, तो उसका कोई अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। कहता है वर्किंग कैपिटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्किंग कैपिटल लिखवाया है ना एफएम समरी में, कहता है वर्किंग कैपिटल 40 लाख रुपये की है, कहता है नीडेड एंड आपके पास में कहता है रिलीज हो जाएगी 8 ईयर में, ये तो नहीं बोला होता तो भी मैंने लिखवा दिया। वर्किंग कैपिटल का ऐसा होता है कि ईयर ज़ीरो में लग जाती है और ईयर एंडेड पे, मतलब कि सॉरी ईयर एंडेड नहीं लाइफ एंडेड पे, जैसे ही 8 साल ख़त्म होते हैं, इसकी लाइफ 8 साल की है, तो 8 साल ख़त्म हो जाएगा वापस मिल जाएगी, उसकी ट्रीटमेंट मैंने लिखवा दी आपको कि ईयर ज़ीरो में ऐड कर देना और फिर ईयर लाइफ जो एंड है 8 ईयर, तो 8 ईयर में जाके भी ऐड कर देना, दोनों में ऐड ही करना है बेसिकली, समझ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सर आपको यहाँ पे नीचे सेल का वॉल्यूम दे रखा है कि कैसे कैसे इनकम कमाओगे, कहता है ईयर वन में 72,000 कमाएंगे, टू में 1,08,000, ये यूनिट है, ठीक है, यूनिट कमाएंगे, यूनिट के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेल प्राइस देखिए दे रखिए 240 पर यूनिट के हिसाब से, तो बस मल्टीप्लाई करेंगे सेल वैल्यू मिल जाएगी हर साल की, 4 to 5, 6 to 8 सारी चीज़ें दी हैं। अच्छा ये 4 to 5 है और ये 6 to 8 है आपके पास में, तो 4 and 5 or 6, 7 or 8 ये 3 साल का टोटल दे रखा है, तो या तो आप 6, 7, 8 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 इस तरीके से लिखिए, या फिर क्यूमुलेटिव ही कर देना, काम ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहता है कि आपके पास में एक्सपेक्टेड एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है, ये सेल प्राइस आपको दे रखी है 240, इसमें वेरिएबल एक्सपेंस कितना रहेगा, कहता है 60%, तो 60% वेरिएबल माइनस करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। कहता है फिक्स के
ऑपरेटिंग कॉस्ट केस आपको डायरेक्टली गिवन है, हम तो केस को ही कंसीडर करते हैं, बहुत बढ़िया 36 लाख आपको पर एनम के हिसाब से गिवन है। कहता है लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम आपके पास में प्रॉफिट ऑफ द सबसिक्वेंट टू ईयर, तो किसी साल में अगर लॉस हो भी गया तो उसे सेट ऑफ करना नेक्स्ट टू ईयर से, ठीक है। तो ये कहना चाहता है, ठीक है। और कहता है कि कंपनी जो है वो 30% टैक्स रेट के हिसाब से काम कर रही है, तो 30% टैक्स रेट लगेगा, और 12% को आपको जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको मानती, मतलब कि 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, और वो भी आफ्टर टैक्स है कैपिटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी फॉलो करती है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, डेप्रिसिएशन अगर निकालना रहे तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से निकालिए, नहीं भी कहा होता तो स्ट्रेट लाइन से ही निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं थी। और कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, और एडवाइज़ करना है कि सर आपके पास में ये प्रोजेक्ट सही है या फिर नहीं। एडवाइस कैसे करेंगे, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आया तो एडवाइजेबल है कि आपके पास में हाँ जी करिए इन्वेस्टमेंट, और नेगेटिव आया तो मना कर देंगे, ठीक है। इसके बाद पीवी फैक्टर ऑलवेज आपके पास में एज जो आपके पास में मैं कहता हूँ एज ऑलवेज आपके पास में नॉर्मली 80% केस में क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो ये गिवन है, आपको इसी को ही कंसिडर करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क में देने लायक नहीं है, लेकिन एक बार के लिए मैं होमवर्क में आपको दूंगा, खुद से ट्राई करेंगे। मुझे पता है नहीं हो पाएगा आपके पास में, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप 80% क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। 20% चीज़ें ऐसी हो सकती है कि नो समझ आए, ठीक है, जो 20% ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपके पास में नो आपका आंसर रहे, ठीक है, मतलब कि समझ नहीं आए आपके पास में, तो ठीक है, लेकिन 80% चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि 80% करवा चुका हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि सर ने कह दिया है कि नहीं आएगा तो मतलब अपने को कुछ ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, आपको सीखना होगा, आपको पॉइंट्स लिखवा रखे FM समरी में, पॉइंट्स को एक बार रीड करिए, फिर क्वेश्चन को ट्राई करिए खुद से क्वेश्चन सोल्व करने की, कुछ तो कर पाओगे, 20% 30% सोल्व कर पाओगे। इसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, आगे जो होमवर्क में दिए वो तो आपके ऊपर है, आपको नहीं आता तो सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, वहां पे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार ट्राई करें, और मिनिमम आपके पास में क्राइटेरिया 80% तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, 80% चीज़ें राइट होनी चाहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि 80% पढ़ा चुका हूँ, अगर 80% राइट नहीं हो रही है तो दिक्कत है दोस्त, तो फिर दिक्कत है। वर्किंग कैपिटल की एक सिंपल सी ट्रिक मैंने बता रखी है, उतना ही ट्रीटमेंट करना है, कोई बड़ी बात है नहीं आपके पास में, बात समझ में आ रही। वर्किंग कैपिटल को क्या करना है सर, दोनों तरफ ऐड ही करना है बेसिकली। कहते हैं कि यहाँ पे इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, 3.5 करोड़, मतलब कि 350 लाख रुपीस भी आप कह सकते हैं, कहते हैं 350 लाख है, ये वर्किंग कैपिटल का ऊपर से समझा देता हूँ। कहते हैं 350 लाख है वर्किंग कैपिटल लगेगी, वो ऐड कर देना कॉस्ट में, ठीक है, तो ये 40 लाख रुपीस, ठीक है, 40 लाख आपके पास में, तो कितना हो गया 390 आपके पास में आउटफ्लो, और कोई खर्चा है तो लिख देना, बाकी आउटफ्लो इतना रहेगा, और कोई आउटफ्लो है तो कंसिडर कर लेना, ठीक है, ये ऊपर से बता रहा हूँ, तो ये आउटफ्लो आ गया, ठीक है, तो ईयर ज़ीरो पे इतना खर्चा, अगर कोई ईयर ज़ीरो पे और खर्चा है तो बस इसमें ऐड कर देना। फिर ये वर्किंग कैपिटल का आधा पार्ट हुआ, अब आधा पार्ट क्या करेंगे सर, 8 ईयर में आप जो इनफ्लो है उसमें ऐड कर देना। तो बेसिकली हुआ कि आप ध्यान से देखें तो आउटफ्लो में जाके सबसे पहले माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस हुआ है, ठीक है। मैं ऐड करने का मतलब आपके पास में क्या होता है, ये आउटफ्लो माइनस में होता है बेसिकली, ये आपको पता है, तो इसके साथ लेस करना होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए आपको ये 390 दिख रहा है। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल एक बार ऐड हो रहा है एक बार लेस हो रहा है, ठीक है, लॉजिकली अगर देखो तो वर्किंग कैपिटल एक बार लेस हो रहा है एक बार ऐड हो रहा है। लेस कब होता है, जब पैसा, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट कब करते हैं, ईयर ज़ीरो में, और वापस कब मिलता है, ईयर एंडेड पे, मतलब कि लाइफ एंडेड पे, 8 ईयर के एंड में। तो जब जाता है तब हम माइनस करते हैं, तो देखिए माइनस में करा 40 लाख, 350 तो माइनस में ही था, 40 माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 390 माइनस, तो आउटफ्लो 390 माइनस दिखेगा। फिर 8 ईयर के एंड में जितना भी इनफ्लो आपके पास में ऑलरेडी है उसमें कितना ऐड कर देना, 40 लाख ऐड कर देना, किस चीज़ का सर, वापस मिल गया उसका, पैसा मिला है तो ऐड करेंगे, इनफ्लो दिखाएंगे उसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे लेस करते हैं, लेकिन लेस होता है मतलब कि माइनस माइनस प्लस इस तरीके से होता है, तो लिखवाने का तरीका बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो लॉजिक समझ आ गया आपके पास में, क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करेंगे दोस्तों, क्लियर है। और एक लॉस का एक पॉइंट है जो आपके पास में इंपॉर्टेंट है, जो लॉस आप अगर किसी ईयर में आता है तो उसे नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ करना है, बिल्कुल आपके इनकम टैक्स के हिसाब से।
मुझे लगता है इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। जो स्टूडेंट ने कर लिया वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स तो पढ़ते आ रहे, इनकम टैक्स में तो ऐसा बहुत किया होगा आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन दिक्कत आती है, मैं तो ये क्वेश्चन करवाने ही वाला हूँ। इसका वीडियो आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो मिलेगा, ऊपर के क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता सकते हैं आपके पास में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 आपके पास में। ये क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है आपके पास में पास्ट पेपर बैच में। मैंने अभी अभी अनाउंस्ड किया था, आपको पता ही होगा, आपने वीडियो देखा होगा, अभी तक अपलोड हो चुका है, तो नहीं हुआ है तो मैं करवा दूंगा। बेसिकली मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड किया आपके पास में कि एक नया बैच लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, एक नया बैच आपके लिए आ रहा है। कैसा बैच है? कहता है कि इसमें हम पास्ट आपके पास में 20 to 30 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, जी सही सुन रहे आप, ठीक है, सही सुन रहे आप, 20 to 30 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे एफएम के अंदर, ठीक है। और वो भी कैसे सर? कहते हैं क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी, जहाँ पे क्वेश्चन होगा नीचे आपको ब्लैंक जगह मिलेगी, ठीक है, तो क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगी। क्वेश्चन पीडीएफ में कैसा होगा कि क्वेश्चन दिया होगा, नीचे जगह दी जाएगी आपको, तो उसे आपको प्रिंट निकलवा लेना है, इसकी प्रिंट आपको निकलवा लेनी है, और फिर इसे खुद से सॉल्व करना है। फिर आपको एक और पीडीएफ दी जाएगी जहाँ पे सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों होंगे, ठीक है, जहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन होगा, ऐसी पीडीएफ। इसको प्रिंट नहीं करवानी, इसको आपको प्रिंट नहीं करवानी, ये तो आपके लिए रेफरेंस के लिए है, ये प्रिंट नहीं करवानी, प्रिंट इसे करवानी है ताकि आप खुद से आप अपने हाथों से सॉल्व कर पाए। वहाँ पे जगह ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन के नीचे, तो आप क्वेश्चन को रीड करिए बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह, तो एक टेस्ट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, जो जनरली आपके पास में टेस्ट बुक होती है वैसी टेस्ट बुक हो जाएगी। तो क्वेश्चन पीडीएफ आपके पास में टेस्ट बुक हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, एक बार के लिए आपने लिख लिया सॉल्यूशन तो आप देख सकते हैं। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मली होते रहता है ना, हम टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं 2000, 3000 में, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात ये है कि हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, और प्लस ये वीडियो सॉल्यूशन जो मिलेगा वो अनलिमिटेड व्यू पे मिलेगा, कितनी भी बार देखिए एग्ज़ाम टाइम तक आपके पास में रहेगा। तो एग्ज़ाम में भी, एग्ज़ाम टाइम के अगले दिन भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपने मार्क कर रखा था और इसका सॉल्यूशन बाय चांस आप भूल गए, कोई पॉइंट भूल गए, वीडियो वापस से देख सकते हैं, 100 बार 300 बार कितनी भी बार देखिए, अनलिमिटेड व्यू है आपके पास में। और प्लस आपके पास में वीडियो में स्पीड का ऑप्शन भी है, ठीक है। जनरली देखा गया है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम आता है तो उनको स्पीड में थोड़ा वीडियो देखना पड़ता है, तो स्पीड का ऑप्शन है आपके पास में, तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने तरीके से। हम नॉर्मल स्पीड पे ही पढ़ाते, आप अपने तरीके से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में, तो पास्ट पेपर बैच जहाँ पर मेन आपके पास में है 20 to 30 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, ठीक है, पास्ट पेपर के 20 to 30 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से। तो आपके पास में एक चीज़ हो, समझे आप, एक आपके पास में हो जाएगी टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्लस आपके पास में सॉल्यूशन हो जाएगा चेकिंग करने के लिए, प्लस आपके पास में हर एक का वीडियो सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों, वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। और टेस्ट सीरीज आप आजकल परचेज करते तो वहाँ पे आपके पास में 2000-3000 रुपीज़ ले लिए जाते हैं, क्लियर है। यहाँ पे तो हर एक चीज़ को पढ़ाया जाएगा बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ, वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये बैच के अंदर। तो इसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी मैं शायद कर चुका हूँ आपके पास में, बेसिकली वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मुझे देखना पड़ेगा कि वो अपलोड करवा दिया गया या फिर नहीं, और नहीं करवाया तो मैं करवा दूँगा। आपने नोटिफिकेशन ऑन रखा होगा अपने यूट्यूब का, तो जैसे ही वो वीडियो अगर अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपके पास में अपलोड हो जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अपलोड हो चुका है तो आपको वैसे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करी है, तो मैंने वो चीज़ आपको बता दी। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि इस बैच के अंदर ये सारे, ये 11 टू 14 क्वेश्चन वहाँ पे इंक्लूडेड है, वीडियो सॉल्यूशन, तो वहाँ पे मैं ये पढ़ा चुका हूँ, तो बेसिकली वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप 11 टू 14 वहाँ पे देख लेंगे, 11 टू 14 और इलस्ट्रेशन आपका 19, जो आपके सिलेबस का नहीं था लेकिन फिर भी आईसीएम मॉड्यूल में डाला गया, वो इलस्ट्रेशन नंबर 19, ये वाला, ये भी इंक्लूडेड है उसमें,
ठीक है, तो ये वहाँ पे पढ़ा दिया। बेसिकली इसमें कंसेप्ट नाम का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपकी मॉड्यूल में कंसेप्ट ही नहीं है इस चीज़ का, तो क्या ही पढ़ा है। लेकिन इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सॉल्यूशन किस तरीके से याद रखना है, कितनी चीज़ें याद रखनी है, सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर ली है मैंने, तो वह चीज़ आपके पास में हो जाती है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 भी वहाँ पे करवा दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में ऐसा है कि नॉर्मल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक डेप्रिसिएशन गलत तरीके से ले लिया है एक पर्सन की जिसकी बात करी गई कंपनी की। कहता है डेप्रिसिएशन को सही करके वापस से आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ये बेसिकली रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, तो इसका भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। एक बार के लिए ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं रिस्क ले रहा हूँ आपके ऊपर, ठीक है, ये आपके पास में होमवर्क में रहेगा, लेकिन इसका वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा, यूट्यूब पे ही प्रोवाइड होगा। तो इलस्ट्रेशन 18 और आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपके पास में 9, ठीक है, ये दो के वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन खुद से आपको पहले ट्राई करना है, उसके बाद ये दो वीडियो अपलोड करवा दूंगा। बाकी के आपके पास में होमवर्क में रहेंगे, और जो क्वेश्चन आपके रह जाते हैं वो क्वेश्चन तो आपके पास में वहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा आपके पास में बैच के अंदर, जिसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुका होगा। वहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो आप देख लेना, चाहे तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करके आप वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं उस वीडियो के ऊपर, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा जब भी वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और नहीं भी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, इसी वीडियो के कमेंट में मुझे मैसेज कर दो कि सर वो वीडियो का लिंक भेज दो, ठीक है, तो भेज दूंगा आपके पास में, ठीक है। कई बार हो सकता है कि हम भूल जाए आपके पास में बताया हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में डालना भूल जाए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर वो वीडियो का लिंक भेज दीजिए ज़रा, तो फिर तुरंत याद आ जाएगा और आपको भेज दूंगा और डिस्क्रिप्शन में अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपके पास में, तो मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आपके सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक इलस्ट्रेशन 18 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा दूंगा। वैसे कंसेप्चुअली कोई बात बाकी नहीं रहती आपके पास में, ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है, ठीक है, सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है। एक कैपिटल गेन का एक पॉइंट है जो नॉर्मली आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन नॉर्मली नहीं पूछा जाता। नॉर्मली क्वेश्चन में लिखा जाता है इग्नोर कैपिटल गेन, ठीक है, अगर कैपिटल गेन हुआ तो क्या होगा, ऐसा एक ही क्वेश्चन है आरटीपी में आया था, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन जो है आपके बेसिकली जो ये बैच है पास्ट 20-30 पास्ट पेपर के क्वेश्चन बैच में, वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवा दिया। तो अगर बाई चांस वो क्वेश्चन आ जाता है, वो आपके आईसीएम मॉड्यूल आईसीआई आरटीपी का ही क्वेश्चन है, तो ऐसा मत सोचना कि कहीं और से लेके आए हो, वो आईसीआई का ही क्वेश्चन है और मुझे लगता है किसी भी दिन पूछ लेंगे आपके पास में, तो वो क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस करवाया है बेसिकली, तो वो वीडियो आप जो है वहाँ पे देख लेंगे, और वो बैच के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना। क्लियर है आपके पास, ठीक है। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेरे भी आप पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपका एक ही चैप्टर बाकी रहता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। डिविडेंड डिसीजन है, लेकिन वो तो एक दो दिन का काम है, तो वो तो काम हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपके पास में एक चैप्टर बाकी रहता है, वो आपको करवा दूंगा, ठीक है।